प्रणमामि हरे प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः तमादि देवं करुणानिदानं कमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहका तर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया चरमोहिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सगर हाथ उठाते बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा कैसे इंद्र पूजा को बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवाई। जब इंद्र को ये बात पता चला कृष्णा इंद्र पूजा को बंद करा दी और एक पहाड़ को पूजा करवा रहा है, इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया। उन्होंने संबर तक मेघ और 49 पवन को बुलाए, बल ऐसे ब्रज में शिला वृष्टि वहां पर ऐसे बारिश आंधी तूफान आए ये ब्रज नाम का जैसे कोई गांव नहीं रह जाए। अब इंद्र का आदेश पा करके जैसे हाथी के सूर के जैसे मुसल भरा से बारिश होने लग गया, ओले गिरने लगे, आंधी तूफान ऐसे आई जैसे मानो ब्रज में प्रलय मच गया। ब्रज में जितने ब्रजवासी सबके सब कृष्ण को पास में गए, बोले देख कृष्ण तेरे बात सुनकर के हमने तो इंद्र पूजा बंद कर दिया, देखो ये सब क्या हो रहा है। कृष्ण बोले कोई चिंता मत करो, हम सब के सब श्री गिरिराज की पूजा की, सारे सामान को लेकर के सब श्री गिरिराज की तलहटी में चलो। जैसे एक छोटा बच्चा कोई छतरी को उठा दे ऐसे ही कृष्ण बाम हाथों में, बाम हाथ नहीं सबसे कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सारे सामान को ले आओ, ला करके गिरिराज की नीचे आ जाओ सबके सब। मैया जसोदा बारंबार कृष्ण को मक्खन खिला रही थी, हाथ में मालिश कर रही थी, लाला का हाथ में दर्द नहीं हो जाए। और जितने सखा लोग थे सबके सब लठिया लेकर गिरिराज में टेका ली। बोले कन्हैया तू कब तक गिरिराज को उठाओगे, थोड़ी सी विश्राम तो ले ले। कृष्ण कहा देखो सखाओ तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकिया। बोले क्यों,
तू क्या मैया का दूध अकेले पी रखा? हमने कहीं मैया का दूध पी नहीं, हाथ नीचे कर। कभी कभी लटते लटते तेरे को हम कभी परास्त कर देते। जब कृष्ण हाथ को नीचा की, गिरिराज गोवर्धन तो धीरे 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 नीचे आने लग गए। जो डंडा लगा कर रखे थे ना, सबके सब टूटना शुरू की। सखाओं ने बोले, कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा, तू ही ये गिरिराज को तू ही उठा ले। अभी बड़े आनंद में कृष्ण के मुख दर्शन करते हुए सारे ब्रजवासी बड़े आनंद में बोले, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ब्रजवासी आनंद में नाच और गा रहे हैं। इंद्र ने 7 दिन तक उसने अपना जी जान लगा दी। 7 दिन के बाद में एक दूत को भेजा, देख के आओ ब्रज में क्या हो रहा है। वो केवल ऊपर देख कर गया। बोले, महाराज ब्रज में एक चिट्ठी तक अभी नहीं, सब खत्म। इंद्र दूसरे सेवक को भेजा, भैया तू जा करके देख करा। वो जब नीचे आकर के देखा ना, एक चिट्ठी तक अभी मरे नहीं। वहां तो धूल उड़ रहा था और सबके सब कृष्ण के मुखार बिंदु को दर्शन करते हुए बड़े आनंद ले रहे थे, हैं बड़े प्रसन्न सबके सब थे। उसने जब वापस गया, इंद्र ने कहा, ये बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं? बोले, ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले, मतलब? बोले, मतलब क्या, जिसको तुम साधारण बालक समझ रहा था, वो बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा करके रखा। इंद्र ने देखा, भैया ये है कौन? ध्यान लगा करके देखा, ये तो मेरे प्रभु है, जिसने मेरे को कृपा करके ये इंद्र आसन को जिसने मेरे को दी थी, लगता है मेरे गद्दी छिन जाएगा, हैं मेरा अपराध हो गया। अभी अमरावती में अपना इंद्राणी को साथ में सोने के लिए गया तो उसको घबराहट हाथ इतना हुआ था, उसको नींद नहीं आई। फिर उन्होंने अपना गुरु बृहस्पति को पास में गए, बोले, गुरुजी ऐसे ऐसे अपराध हो गया, बताओ मुझे क्या करनी चाहिए, बताओ मेरे को क्या करनी चाहिए। बोले, भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले, फिर? बोले, चलो पितामह ब्रह्मा जी को पास में चलते हैं। जब ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा जी बोले, तुमने सर्वनाश कर दिया। ये ऐसे का बता रहे ना, सारे देवताओं को जो घमंड को ये चकनाचूर करने वाले। मैं भी कुछ दिन पहले बड़े बुरे तरह से फंस गया था। बोले, आप भी फंस गए थे? बोले, हाँ। बोले, कैसे? बोले, कृष्ण एक दिन गोचारण करते करते कृष्ण पहुंचे जंगल में। एक कंस ने अघासुर को भेज दिया था, उसने इसे मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था। अभी छोटे छोटे बच्चों ने देख करके तो डर गए। बोले, लगता है कोई सांप ने मुंह खोल करके बैठा हुआ खाने के लिए। छोटे छोटे सखा तो भागना शुरू की। बड़े बड़े सखा बोले, कहाँ भाग रहे हो? बोले, तो तू देख नहीं रहे हो कितना बड़ा मुंह फाड़ करके अजगर सांप बैठा हुआ। बोले, पागल, कभी सांप का इतना बड़ा मुंह होता है कभी देखे हो कभी? बोले, फिर? बोले, लगता है विश्वकर्मा ने कोई विचित्र गुफा बनाया, चलो हम अंदर में जा करके देखते हैं। बोले, अगर सांप होगा तो? बोले, चिंता क्यों करते हो, कृष्ण जैसे बकासुर को मारे, इसको भी ऐसे मार डालेंगे, चलो अंदर में सबके सब चलो। अभी सांप का 2 जीवा होता है और जीवा बड़े गुदगुदी। जब थोड़ी सी अंदर में गए, किसने सखा बोले, भैया इसको अंदर में लगता है कोई कारपेट बिछा करके रखा है, बड़ा गुदगुदी लग रहा है। किसने कहा उसमें 2 रोड क्यों, क्योंकि सर्प का 2 जीवा होता है। बोले, इसमें 2 रोड क्यों बना हुआ? बोले, तेरे को पता नहीं? बोले, क्या? बोले, एक तो अंदर में जाने का और एक अंदर से आने का, और उसका बड़े बड़े दांत खंभे जैसे। बोले, भैया ये खंभा किसने गाड़ करके रखा? बोले, लगता है अंदर में साधु लोग भजन करते होंगे, हैं, इसलिए वो अपना बिस्तरा को लटकाने के लिए। भैया रहने दो, तुम छोटा रहो, जाकर बस बैठो, जो आए भाई से, इसलिए लगता है अपना बिस्तरा को लटकाने के लिए रखे हैं।
ऐसे ऐसे करते करते अंदर में चलते चलते हुए जा रहा है। अघासुर देख रहा था कृष्ण आ जाए फिर तो मैं मुंह को बंद कर दूं। आकाश में देवता लोग देख रहे थे, हाहाकार कर रहे थे। ऑलरेडी कृष्ण के सखा लोग चले गए, जितने बछड़े सब के सब चले गए। अगर कृष्ण चला गया, अगर मुंह बंद कर देगा तो क्या होगा? देवता लोग तो घबरा रहे थे। और इतने में कंस का जो चार लोग थे वो भी देख रहे थे, बस आज काम समाप्त। कृष्ण केवल अंदर में चले जाए, बस आज तो कृष्ण का लीला खेला खत्म हो जाएगी। इतने में कृष्ण दूर से देखा, वो तो समझ गए ये तो अघासुर मुंह फाड़ करके बैठा हुआ। बोले सखाओं रुक जाओ, अंदर में मत जाओ, ये अघासुर है। लेकिन चलते चलते सखा लोग तो चली गए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं एक साथ में मेरे को दो काम करना पड़ेगा, एक काम तो इसको मारना, दूसरा काम अपना सखाओं को ग्वाल वाल को बचाना। अभी दो काम करूं कैसे? अभी कृष्ण जब अंदर में प्रवेश किया, जब कंस के चरण देख लिया, कृष्ण चले गए, जाकर के कंस को बोल दिया, महाराज कंस सारे खेल खत्म, तेरे शत्रु खत्म हो गया। और देवता लोग हाहाकार कर रहे, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। कृष्ण जब अंदर में गए, अपना शरीर को उन्होंने इतना विशाल विश्व रूप जैसे धारण की, तो उसकी गले के पास में जाकर के अटक गए कृष्ण। जब अटक गए, अगर हवा अगर बंद हो जाए, गला अगर बंद हो जाए ना, बस क्या होगा, एक मिनट में सब खेल खत्म। जब उसकी गला ही बंद हो गया, हवा बंद हो गई उसकी, इतने में ब्रह्म तालु फट गई, फट करके वहां से ज्योति निकली। जब ज्योति निकली, कृष्ण अपना अमृतमय दृष्टि से अपना ग्वाल बाल को प्राण दान करके जब कृष्ण आए, जब कृष्ण ने अघासुर को मार डाले, स्वर्ग में जो देवता लोग थे बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। ये माताएं कोई जयकार नहीं दे रहे, कोई है और जय बोल रहे। अरे जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। जब उन्होंने जयकार दिया, ये जयकार धीरे धीरे भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी जब सुना, बोले भैया ये जय जयकार किसकी हो रही है, क्या बात है। ब्रह्मा उतर करके आए, उतर करके आकर के देखा, ये जो अघासुर का शरीर मरने के बाद एक जो ज्योति निकली, वो ज्योति कृष्ण का शरीर में ही समा गया। ब्रह्मा तो चक्कर में पड़ गए, भैया ये बालक है कौन जो ब्रह्म ज्योति भी जिनकी शरीर में समा गया। ब्रह्मा तो समझ नहीं पाए ठाकुर जी की और आगे की लीला देखने के लिए। कृष्ण जब ग्वाल बालों को साथ में जमुना किनारे में बैठ करके ठाकुर जी भोजन कर रहे थे, कोई पकौड़ा, कोई रसगुल्ला, कोई हाँ राबड़ी, कोई मालपुआ लाए थे, और कृष्ण सबको साथ में बैठ करके, कृष्ण बीच में एक गोला, दो गोला, तीन गोला करते 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 हजार हजार सखाएं थी। लेकिन आश्चर्य का बात ये था, हर सखाएं देख रही थी कृष्ण मेरे सामने, सबके सब खा रहे थे, कृष्ण को खिला रहे थे। इतने में एक सखा था, उसने बड़े सुंदर छाछ लाया था। बोले कन्हैया मेरे मैया ने बड़े सुंदर छाछ भेजो है। कृष्ण ने कहा तुम मेरे को नहीं दोगे? बोले इतने चोखो छाछ थोड़ी देने का, ये तो पीने के लिए है। अभी वो मटकी को लेकर ना दोनों खेचातानी की, खेचातानी करते करते थोड़ा छलक करके वो छाछ सखा की छाती के ऊपर में गिर गई। कृष्ण तो जीवा देकर चाटने लग गए। बोले वाह बड़े सुंदर चोखो छाछ है। ब्रह्मा जी देख करके बोले हे भगवान, ये कैसे भगवान जिसको झूठन फूटन को भी बता दी। क्योंकि जो ब्रह्मा है वो नारायण का भक्त, जो नारायण का भक्त होते हैं वो भगवान को ईश्वर हैं, भगवान को भगवान मानते हैं, अपने आप को दास मानते हैं, सबके सब ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं। लेकिन ब्रज में तो हैं, ब्रज में तो माधुर्यमय लीला है, यहाँ पर तो कृष्ण को कोई भी भगवान नहीं मानते। कोई सखा मानते हैं, कोई अपना लाला मानते हैं, कोई अपना प्रियतम मानते हैं, कृष्ण को झूठा खिलाते हैं खाते हैं, हैं? यहाँ पर तो माधुर्य लीला ब्रज में। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान की माधुर्य लीला को समझ नहीं पाए, थोड़ी आगे की लीला देखने के लिए उनकी बछड़ को चुड़ा दिया। सखाओं ने बोले कन्हैया अभी तो बछड़े यही चल रहे थे, गए कहाँ? बोले तुम बैठो मैं देखता हूँ।
जब कृष्ण उनको ढूंढने के लिए गए ना, फिर कृष्ण सारे सखाओं को उठा ले गए। बोले कहाँ? बोले गुफा में बंद कर दिया। गुफा में बंद जब कर दिया, जब ब्रह्मा जी गए इधर किया हुआ, कृष्ण देखा मेरे बछड़े कहाँ गए, ये सखा भी कहीं चले गए। इतने में भगवान की लीला शक्ति जोग माया ने भगवान को स्फूर्ति कराया। बोले प्रभु ये ब्रह्मा आपको लीला को समझ नहीं पाए, इसलिए आगे की लीला देखने के लिए उसने ये बछड़े सखाओं को चोरी किया है। इतने में कृष्ण जैसे बछड़े, जैसे सखा, जैसे राग, जैसे लपटी, जैसे बोली, जैसे चाल इनकी थी, कृष्ण अपना शरीर से उतना बछड़े और उन्होंने इतने सखाओं को प्रभु प्रकट करके स्वयं स्वयं को साथ में ठाकुर जी लीला कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे, इतने में कृष्ण ब्रह्मा बन करके पहले पहुंच गए। उनको जो दरुआन थे बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रूपिया को घूमते हुए, अगर कोई आए ना घुसने मत देना। कृष्ण जाकर के ब्रह्मा पद को बैठ गए। जब असली ब्रह्मा पहुंचे, उनका जो दरुआन थे ना लठिया लेकर के ब्रह्मा जी को तो खदड़ाना सुन दिया। बोले तू कहां से आ गया, प्रभु जी सही कह रहे थे मेरे जैसे कुछ बहु रूपिया। ब्रह्मा बोले हे भगवान मेरे नौकर लोग मेरे को भगा रहे, फिर ये ब्रह्मा मेरे पद में कौन बैठ गया। ध्यान लगा करके देखा ना, उनकी प्रभु स्वयं बैठ गए। ब्रह्मा तो को पता कुछ गड़बड़ी करके गया। ब्रह्मा गए और नीचे जल्दी उतरे। बोले भैया मेरी अपराध हो गया। जो उतरना फिर आश्चर्य देखा, क्या एक साल हो गया इसी जगत में, एक साल पहले कृष्ण जैसे ग्वाल बाल सखाओं को साथ में लीला कर रहे थे, प्रभु अभी भी ऐसे लीला कर रहे। ब्रह्मा तो चकराए। बोले फिर कृष्ण किया वहां से उठा करके ले आए, वहां गए गुफा में देखा वैसे बंद पड़े हुए। तब उन्होंने एक साथ में दोनों तरफ में देखे, इधर दो सर इधर दो सर। जब एक तरफ में उन्होंने देखा, भगवान उनको दिखाया देखो ये बछड़े सखा कौन है। बोले जितने बछड़े जितने सखा सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण, सबके सब नारायण। ब्रह्मा समझ गए मैं तो एक नारायण का नाभि कमल से मेरी सृष्टि है, यहाँ तो अनंत करोड़ नारायण। ब्रह्मा समझ गए कृष्ण कौन है, मेरे बाप का बाप का बाप का भी ये मेरे बाप है। तब ब्रह्मा जी हंस वाहन से कूद पड़े, कूद करके कृष्ण चरण में लेट गए और आंखों का आंसुओं से ठाकुर जी की चरण की अभिषेक की। जब अभिषेक किया ब्रह्मा जी देखा मेरा एक अंग ही ये ब्रज रज को स्पर्श कर रहा है, अभी तीन अंग बाकी रह गया। फिर तो ब्रह्मा जी ब्रज रज में लोट फोट उठाने लग गए। बोले ये ब्रज धूलि में मेरे शरीर अभिषिक्त तो हो जाए तभी मेरे जीवन धन्य हो जाएगा हैं। फिर तो ब्रह्मा जी अपना आंखों को हैं मसलत मसलत रगड़ कर खड़े हुए फिर भगवान को स्तुति करते हैं। बोले नव मिट्यते अभ्रबपुषे तड़िताम्बराय गुंजाब कंस परिपीचलसत मुखाय वन्य स्रजे विशाल वेणु मृदुपदे पशुपांगजाय। बोले हे प्रभु आपका चरण में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोले क्यों? बोले अभ्रबपुषे। बोले भगवान के रंग कैसे है? बोले काला मेघ जैसे। तब ब्रह्मा जी ये काला मेघ को साथ में क्यों उदाहरण दिया? बोले कारण है आप लोग देखना, जब बारिश होती ना वो नहीं सोचता है ये पवित्र और अपवित्र स्थान, सब जगह में बराबर बारिश होते हैं। बोले प्रभु आपका रंग तो काला मेघ जैसे, मतलब क्या है? आप सबको ऊपर में कृपा करते हो, पापी तापी दुखी सुखी सबको आप सबकी पिता हो, आपको सबको ऊपर में आप कृपा करते हो। हाँ मैंने अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया। एक चिड़िया होता है जिसका नाम चातक, वो चिड़िया कभी भी किसी नदी किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो पानी पीता है स्वाधी नक्षत्र का। जब बारिश ही हो तभी वो पानी को तभी पिएगा, नहीं तो नहीं पीता है। इसलिए हर समय वो चिड़िया प्यासा हूँ प्यासा हूँ, मतलब मैं प्यासी हूँ मैं प्यासी हूँ, पानी 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 हर समय वो चिल्ला रहता है पानी पानी बोल कर गई। तो उसी तरह है प्रभु, जैसे चातक का जीवन जैसे मेघ है पानी है, उसी तरह
मैंने भी आपके चरण में अपराध किया है, इसलिए हे प्रभु आप आपके सिवाय और जगत में मेरी कोई गति है ही नहीं, इसलिए आप मेरे ऊपर में कृपा करो। बोले गुंजा बतंस परिपीछ लसत मुखाय, बोले भगवान गला में कौन सा माला पहनते हैं, कान में कौन सा कुंडल धारण करते हैं, बोले गुंजा फल। अब गुंजा फल आपको पता है जंगल में इतने छोटे छोटे फल होता है, लाल लाल रंग का, उसको ऊपर में थोड़ी सी काला रंग रहता है, वो जंगल में आसानी से ये फल मिल जाती है, इसलिए वो कहते हैं। इसका मतलब है भगवान शिक्षा देते हैं, अगर कोई सोचे नहीं भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कोई कीमती चीज दो तब ठाकुर खुश होंगे, बोले नहीं, ठाकुर जी के बोले प्रेम की भूखे, ठाकुर वस्तु नहीं देखते हैं, ठाकुर आपकी भाव देखते हैं, ठाकुर जी आपको भाव देखते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मे भक्त्याः प्रजीचति। यहाँ पर भगवान चार चीज का नाम लिया है, पत्र पुष्प फल और जल, ये जो चार चीज है आप देखना बिना पैसा में मिलता है, किसी पेड़ से पत्ता लेकर ठाकुर को दे दो, कहते ना सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, तोर जो धन के मैं त्यागी, तोर जो धन के मैं त्यागी, सा कभी दूर घर खाए, सा कभी दूर घर खाए, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, छोटे फल सबरे के खाए, छोटे फल सबरे के खाए, कोविद स्वाद बताए, की मशीन रखी हाँ क्या
ही वृंदावन उस प्रेम वही वृंदावन ओ पियन नाच नचाई हो ओ पियन नाच नचाई से पत्ते से ठाकुर जी खुश हुए श्री विदुर जी की पत्रम पुष्पम पुष्पम मतलब होता है फूल किसने फूल को द्वारा संतुष्ट किया बल गजराज ने जब मगरमच्छी पकड़ करके खींचते हुए ले जा रहा था इतने में उसने केवल एक फूल ठाकुर जी को दे दिया कहते जीवन में भगवान को दो बार जल्दी मची एक तो ग्रज ग्राहक उधार में और एक द्रौपदी की रक्षा में दो बार जीवन में ठाकुर जी की जल्दी मची पत्रम पुष्पम बोले फलम फल से किसने खुश किया बोले सवरी हैं इसलिए बहु विध स्वाद बताई बोले सवरी आज तेरे झूठे फल में जितना स्वाद आया ना वैकुंठ में मेरी लक्ष्मी छापन भोग 36 व्यंजन देती है लेकिन उसमें इतने स्वाद नहीं आता इसलिए भगवान कहते हैं भैया मैं केवल प्रेम का ही मैं भूखा हूँ और किसी चीज का मैं भूखा नहीं इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते गुंजा बतंस परिपीच लसत मुखाय बोले भगवान कौन सा वस्त्र धारण करते हैं बोले पीताम्बर क्यों धारण करते हैं बोले राधा रानी का जो रंग है तब तक कांचन गौरांग है राधा रानी का रंग पीला रंग है इसलिए श्री श्याम सुंदर पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं राधा रानी कौन सा रंग के वस्त्र धारण करती हैं बोले नील बसना गौरी बोले क्यों बोले कृष्ण का रंग नील है कृष्ण का रंग नील है इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु सबसे ज्यादा आपको सबसे कौन सा वस्तु सबसे ज्यादा पसंद है बोले दही चावल और दूध चावल भगवान को सबसे प्यारा ठाकुर जी की और सबसे सुंदर श्रृंगार कहते यद्यपि वैकुंठ में मेरे को लक्ष्मिया बड़ी सुंदर हीरे जवाहरातों से श्रृंगार करती हैं लेकिन ब्रज में गोपियां मेरे को कुंज में फूलों से पत्तों से जो मेरे को श्रृंगार करती हैं
इतना अच्छे श्रृंगार और मेरे को कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को बड़े सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे, बोले ज्ञाने प्रयास मधुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरीतं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवांग मनोभि जे प्रायस अजित जितोपि स्प्रलोक्यां। बोले भगवान का एक नाम है अजित। अजित मतलब होता है जिनको जितना बड़ा कठिनी है, जिनको जितना बड़ा कठिनी है, लेकिन फिर क्या प्रभु को जीत नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हाँ जीत सकते हो। बोले तुम्हारी अंदर में जितने अभिमान हैं, पहले सारे अभिमान को त्याग दो। पहले ब्रह्मा कहते देखो मैं कौन हूँ, बोले दुनिया को सृष्टि करने वाले। कहते मेरे कितना सर है, बोले चार सर है। लेकिन ये मैंने सोच रहा था ब्रह्मा मतलब क्या आता है, ब्रह्मा एव सर्वभीत भवती जो सब जानता है, क्योंकि दुनिया को सृष्टि तो वही करते हैं। कहते भैया मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन मैं प्रभु को समझने के लिए गया तो। ब्रह्मा जी कहते प्रभु पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन तेरी महिमा को कोई पार नहीं पा सकते। इसलिए कहते सारे ज्ञान की अभिमान को पहले त्याग दो। त्याग देकर क्या करो, बोले संतों के श्री चरण में रहते हुए ठाकुर जी जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था को सबसे जीवन का बढ़िया स्थिति समझो। जैसे किसको बोले भैया तेरा भजन करो, बोले अभी क्या भजन करेंगे, अभी क्या मरते जा रहे हैं, अभी बेटा बेटियों का शादी शुदा करना, घर का जब सारे काम खत्म हो जाएगा ना, सब काम को मैं निपटा दूंगा फिर तो भजन करूंगा। बोले घर का काम तुम निपटाओगे ना खुद निपट जाओगे। अभी तो किसने घर का काम निपटाया है, किसका निपटा है देखना। 100 साल वो हो गया होगा, 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठे रहते हैं, ये करना वो करना वो करना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ठाकुर जी तुम्हें जिस स्थिति में रखे वो स्थिति को जीवन का सबसे बेस्ट स्थिति समझो, और उसी स्थिति में रह करके फिर भगवान की भजन करते रहो। आगे तभी बढ़िया स्थिति आएगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, हैं? इसलिए काय मन और वाक्यों के द्वारा क्या करो, भगवान की कथा सुना, ठाकुर जी की कथा सुना। अगर ऐसे अगर कोई भगवान की भक्ति करे, संतों की श्री चरण में रहते हुए अपना जीवन को बिताए और भगवान की कथा सुने, भगवान अजीत होने पर भी भगवान उसको प्रेम में जीत जाते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति कर रहे थे लेकिन देखा ठाकुर जी भगवान ब्रह्मा जी के तरफ में तो ध्यान ही नहीं दे रहे, अपना सखा जी की कंधे पर हाथ दिए हुए एक कमल फूल लेकर घुमा रहे हैं और भगवान सखाओं को साथ में मस्ती कर रहे हैं और सखा लोग ब्रह्मा को खिली उड़ा रहे हैं। बोले भैया चौमुआ कहाँ से आ गया, ये चार मुंह वाले कहाँ से आ गए, ये अजीब सा कोई प्राणी कहाँ से आया है। ब्रह्मा जी ने देखा भैया भगवान को इतने सुंदर सुंदर स्तुति करता हूँ तभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो रहे, अभी तक तो मैंने भगवान की स्तुति की, अभी उनकी भक्तों को स्तुति करके मैं देखता हूँ। अरे उन्होंने ब्रजवासियों की स्तुति की, बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्णा ब्रह्म सनातनम। बोले ये ब्रजवासियों ने क्या ऐसे पुण्य किया है जो ब्रह्म सनातन हैं, जो भगवान हैं, आज सखाओं का सखा बन गए, मैया का लाला बन गए, गोपियों का प्रियतम बन गए। भैया इनकी सौभाग्य तो कोई बता ही नहीं सकता है। जब उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति की कृष्ण थोड़े से हंस पड़े, जब हंस पड़े ब्रह्मा को पता चला भगवान का कमजोर कहाँ पर। कमजोर मतलब भगवान सिखा देते हैं अगर मुझे कोई संतुष्ट करना चाहते हो पहले मेरे भक्तों की सेवा करो, मेरी भक्तों को स्तुति करोगे ना मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ, क्यों मैं रहता हूँ भक्तों के हृदय में ही मैं निवास करता हूँ। फिर ब्रह्मा जी भगवान को 3 बार परिक्रमा करते हुए ब्रह्मा जी वहां से चले गए। कि ब्रह्मा किसको कह रहे हैं, बोले इंद्र को। बोले इंद्र मैं भी बड़े बुरी तरह से फंस गया था, ये ऐसे के अवतार है ना सभी की घमंड को उन्होंने चकनाचूर कर दिया है। देखो उनका नाम गोपाल है जो गैया को पालन करते हैं,
ये सुरभि अभी के अनुगत्य में जाओ, हो सकता है ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने सुरभि गाभी को सामने रख करके, क्यों गैया माँ है, गैया माँ है, उनको सामने रख करके गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, बोले प्रभु मेरे अपराध माफ कर दो। भगवान बड़े डांट लगाए, बोले इंद्र तेरे मन में अभिमान हो गया था। क्या अभिमान हो गया था? मैं स्वर्ग का राजा हूं, मैं बारिश नहीं दूंगा तो ब्रजवासी मर जाएंगे। तेरे जो घमंड हो गया था ना, ये घमंड को मैंने उतारने के लिए ये लीला की। खबरदार कभी भी अभिमान करना नहीं, कभी भी अभिमान नहीं करना है। इसलिए भगवान उसको बड़े डांट लगाए, बोले जिसको ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका सारे अभिमान को मैं चकनाचूर कर देता हूँ। भगवान की चरण में माफी मांगे, भगवान को अभिषेक किया और भगवान का एक नया नाम रख दिया, गोविंद नाम रखे। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे भगवान ने बड़ी प्यारी प्यारी मधुर मधुर लीला की। एक दिन कृष्ण ब्रज गोपियों को उन्होंने चीर चुराया है, कहते कात्यायनी महामाये महाजोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नम। इसी मंत्र से गोपियों ने, कितने बड़ी बड़ी गोपियां, शास्त्र में बताया 3 साल 4 साल 5 साल, इससे बड़ी नहीं है। इतने छोटी छोटी गोपियों ने इसी मंत्र से कात्यायनी की पूजा करके बोले हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महाजोगिनी अधीश्वरी, तुम तो अघटन घटन पटेसी हो, इसलिए अगर तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो, जो नंद के लाला कृष्ण कन्हैया हमारी पति बन जाए। देखो यहाँ प्रश्न होता है, भैया जिनकी उम्र 3 4 5 साल की लड़कियां कितना बड़ी बड़ी होती, तो इनके अंदर में फिर पति की भावना कैसे आ गई? कहते कृष्ण को हमारे पति बना दो, अभी तो 4 5 साल की, अंदर में पति कैसे आए? बोले देखने में तो छोटी लेकिन बड़े खोटी है, जानते हो गोपियां कौन है, ये कोई लड़की नहीं है। हाँ देखो ये गोपियां कौन है, जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि लोग हजार हजार सालों से गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे भगवान को पति रूप में पाने के लिए। कृष्ण मंत्र में जब राम गए, राम श्याम देखने में एक ही है, अभी राम को देखकर उनको श्याम की याद आई, बोले प्रभु हमें पति रूप में स्वीकार करो। राम बोले देखो ये रामावतार में एक सीता के सिवाय मैं और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। कहते ये सब गोपियां हैं ऋषि, कहते वेद का कुछ मंत्र था, ये भी कठोर तपस्या की। जब भगवान संतुष्ट हुए बोले बरमागो, बोले प्रभु गोपियां जैसे तुम्हारी सेवा करती हैं, ये गोपी की अनुगत्य में सेवा करना चाहता हूँ, ये वेद का मंत्र है, बोले तुम लोग द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। भगवान जब रामचंद्र पहुंचे जनकपुरी में, एक दिन राम लक्ष्मण बोले गुरुदेव विश्वामित्र जी को बोले थोड़ी सी आदेश दे दो, ये जनकपुरी में थोड़ा दर्शन करके आए। बोले दर्शन करना नहीं, दर्शन दे करके आ। अभी राम लक्ष्मण इतने सुंदर थे, लग रहे थे जैसे एक साथ में चंद्र सूरज प्रकट हो गए, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीतांबर एक नीलांबर पहने हुए, जिस गली में जाए ना बोले श्री श्यावर रामचंद्र की, और जोर से बोलो बोले श्री राम लक्ष्मण की। अभी जिस गली में जाए उसी गली में जय जयकार, और जितने सब कुंवरियां थी ना सीता जी की सहेलियां, जितने तो किशोरी, कोई झरगो से देख रहे थे, कोई छत के ऊपर से, और झरगो से जो देख रहे थे वो तो प्रभु का दर्शन कर रहे थे, लेकिन छत के ऊपर जो थे ना उनका दर्शन नहीं हो रहा था। बोले क्यों? बोले राम का एक स्वभाव था, कभी भी प्रभु सर उठाकर कभी नहीं देखे, पराई स्त्रियों को ऊपर में कभी भी नजर नहीं डाले ठाकुर जी, हर समय सर को नीचा करके चल रहे थे, लेकिन उस छत के ऊपर जो किशोरियां खड़ी थी ना अभी प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। इतने में उन लोगों ने थोड़ा खांसे, हो सकता है प्रभु थोड़ी सी ऊपर सर ऊंचा करे, लेकिन ठाकुर तो ऊंचा करने वाले है ही नहीं। इतने में पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे, बोले लक्ष्मण कौन? बोले गुरु। बोले गुरु का काम? बोले जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, ये गुरु का काम है। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जी देखो तुम्हारे जो भक्त लोग है ना
अब लोग दर्शन के लिए तरस रहे, थोड़ा सर ऊंचा करो। राम बोले, लक्ष्मण ये मायापुरी जनकपुरी खबरदार, इधर उधर देखना नहीं, सर नीचा करके चलो। लेकिन जब थोड़ी और दूर गए ना, फिर जितने सखियां फिर खासे तो फिर लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जी थोड़ी सी देखो ना, थोड़ी सी ऊंचा करके सर को देखो, अभी गुरुदेव बोल रहे हैं ना। देखो ये नियम है, हम डायरेक्ट क्यों भगवान की भजन नहीं करें, क्यों सदगुरु की जरूरत है। इसलिए शास्त्र में बताया, वैष्णवरे आवेदन कृष्ण दयामय एहन पामर प्रतिहवन सदै। हमारी इतना ताकत है ही नहीं जो भगवान को खुश कर सके। भगवान किसकी बात सुनते हैं? संतों की। संत अगर हमारी हो करके ठाकुर जी को प्रार्थना करना, ठाकुर जी को सुनना पड़ता है। जब लक्ष्मण जी बारंबार बोल रहे थे, प्रभु थोड़ा देखो, अभी गुरु जी के आदेश पालन तो करना पड़ेगा ठाकुर जी को, इतने में ठाकुर जी थोड़ी से सर ऊंचा किया ना, इतने सुंदर ठाकुर जी थे, उनकी दर्शन मात्र से जितने सब के सब कुंवरियां थी सब के सब बेहस हो गई। जब उनकी होश आई, राम को पीछे बढ़ गए, बोले हमसे शादी कर लो, हमसे ब्याह कर लो। राम बोले, लक्ष्मण तेरे को मैं पहले से ही बोल रहा था, ऊपर देखा मत करो, अब तू इनसे तू शादी कर ले, सबसे शादी कर ले। भगवान बोले, देखो रामा अवतार में सीता के सिवाय मैं और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। इसलिए कुछ वेद का मंत्र, कुछ बड़े बड़े ऋषि लोग और जनकपुरी के जितने कुंवरियां थी ना, ये सब के सब वृंदावन में कृष्णा लीला में ये गोपी बन करके आए। गोपी मतलब क्या है? बोले गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करते हैं, ये ब्रज गोपी हैं, ये कोई स्त्रियां नहीं। शंकर स्वयं गोपी बन करके आते हैं, जीव की बात छोड़ दो, भोले बाबा स्वयं, अभी भी वृंदावन में जाओगे शंकर जी को गोपी रूप में सजाया जाता है। हम लोग जो साधन क्यों कर रहे हैं, कब ये गोपियों की चरण धूल को, उद्धव जैसे व्यक्ति जिनकी चरण की एक धूल को वंदना करती है, ये स्त्री कोई गोपी नहीं, ये करोड़ करोड़ जन्म की पुण्य से राधा रानी की जो प्रकाश है, हैं राधा जी की जो भाव है, वो एक एक गोपी रूप धारण की, ये गोपियां कोई साधारण नहीं। नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं, बोले पिताजी अब ये गोपियों की चरण धूल के लिए क्यों वंदना कर रहे थे, क्यों तपस्या की? ब्रह्मा जी 60,000 साल तपस्या की ये गोपी बनने के लिए। ब्रह्मा जी कहते, बेटा ये गोपियां कोई स्त्री नहीं, ये तो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, भगवान की जो दिव्य है, राधा रानी की जो दिव्य भाव ही ये एक एक गोपी रूप धारण की है। इसलिए देखने में तो छोटी है लेकिन बड़ी खोटियां हैं। जब एक महीना तक उन्होंने कात्यायनी की पूजा की इसी मंत्र से, देखो ये जो मंत्र है ना दो काम करता है, ध्यान देकर सुनो, ये मंत्र जप करने से एक तो भगवान को प्राप्त करा देती है, दूसरे में जिन जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है ना, ये मंत्र को पढ़ो जल्दी जल्दी शादी मिल जाती है। हाँ, ये जोग माया कात्यायनी और कोई नहीं, ये जोग माया स्वयं है, और ये जोग माया कौन, ये राधा रानी की एक प्रकाश श्री ये जोग माया है। इसलिए जब एक महीना तक पूजा की ना, ठाकुर जी इनकी भावना को समझते हुए भगवान जी के वस्त्र हरण किए और इनकी समर्पित भाव को देख करके, स्त्रियों का मूल है लज्जा, लेकिन इन लोगों ने लाज लज्जा सब कुछ परित्याग करके भगवान के चरण में शरणागत हुए। ठाकुर जी इनकी भावना को देख करके तृप्त हो गए, बोले ठीक है तुम लोगों को साथ में शरद पूर्णिमा में मैं रास करूंगा। इसलिए एक दिन भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे, इतने में रात में जब उन्होंने अपना खिड़की को खोले, इतने में सामने उन्होंने पूर्ण चंद्रमा को दर्शन किया। लेकिन दर्शन किया तो पूर्ण चंद्रमा को, लेकिन ठाकुर को क्या याद आई, राधा रानी की मुख चंद्र की उनको याद आए। याद आते ही भगवान कृष्ण आए, बंसी वट को नीचे आए, और बंसी वट को नीचे आकर के जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये रासलीला को वर्णना करते हैं, रासलीला से पहले उन्होंने एक श्लोक उच्चारण किया है, बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग मायामुपाश्रिता। देखो जब भगवान
कोई भगवान सुखदेव गोस्वामी जब कोई ठाकुर जी की मधुर लीला को वर्णना करते हैं, करने से पहले वो साधकों को सावधान भी कर देते हैं। बोले सावधान, ये जो रास रचया है ना, ये कोई जीव रास रचाने वाले नहीं है, कहते ये स्वयं भगवान ही, ये विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक ये श्री रास बिहारी है। आप लोगों ने सब शादी किए हो? कौन कौन शादी किया, हाथ उठाओ तो, कौन कौन जीवन में शादी किया हो? अरे बोलो कोई हाथ, आप लोगों ने कोई शादी नहीं किए हो? कौन कौन शादी किया हाथ उठाओ सबके सब। हाँ देखो शादी किए सबके सब, शादी किए हो ना। इसलिए कभी कभी भगवान की ये लीलाओं को देख करके लोग कभी कभी कहते हैं, अरे क्या कृष्ण ही केवल रास कर सकते हैं, क्या हम रास नहीं कर सकते हैं, केवल कृष्ण केवल रास कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण कितने गोपियों को साथ में रास किया है, सत्य करोड़ों गोपियों को साथ में प्रभु रास किया। कितने? सत्य करोड़ों गोपियों को साथ में। कृष्ण जब द्वारका जाते हैं, कृष्ण 16108 पटरानियों को साथ में प्रभु शादी करते हैं। आप लोगों ने तो शादी किए है, आपको पता होगा जीवन में अगर एक पत्नी को साथ में किसी तरह से जीवन बीत जाए ना, समझना गंगा में नहा लिया, गंगा में हाथ धो लिया है। देखो जब लड़की शादी करती है देखना खूब रोती है, जब ससुर घर जाती है खूब रोती है। एक लड़की थी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। इतने में परिवार वाले समझा रहे थे, बोले क्यों रो रहे हो, चिंता मत करो, बीच बीच में तुम भी घर में आ जाना, हम भी जाएंगे तुम भी आना। लेकिन उसकी रोना बंद नहीं हो रही थी। इतने में पत्नी का क्यों रो रहे हो, चुप हो जा, कब से रोती जा रही रोती जा रही। देखो पत्नी क्या कहती है, बोले जीवन में पहले बार मैंने रो लिया, अभी मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो जाएगा और मैं नहीं रोका, मैं जिंदगी भर तू रोगा, है कि नहीं, सही कि नहीं। इसलिए एक पत्नी को साथ में जीवन बीतना कितना कठिन। कृष्ण सत करोड़ों गोपियों को साथ में प्रभु ने रास की, हर गोपी देख रही थी हमारे साथ में कृष्ण, हमारे साथ में कृष्ण है। इसलिए भगवान कोई साधारण जीव नहीं। देखो एक समय एक व्यक्ति का दो पत्नी थी, आपको पता होगा जिसकी घर में दो पत्नी, दिन भर महाभारत, दिन भर महाभारत। अभी पति दिन भर काम करते करते सोचता है घर में जाऊंगा तो पत्नी थोड़ी मीठी मीठी बोली बोलेगी, थोड़ी पास पर बैठ करके गर्म रोटी खिलाएगी, थोड़ा पंखा से हवा दिलाएगी। लेकिन घर में आए रोज अशांति, रोज अशांति। पति बाहर में भी परेशानी, घर में भी परेशानी। उसने देखा ये दोनों के लिए मैं दो मंजिली मकान बना देता हूँ, एक ऊपर में रहेगी और एक नीचे रहेगी, फिर तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। लेकिन जो नीचे रहती ना, जब पति काम करके आए वो पहले से ही रोटी पानी बना करके बैठी रहती है, पति आए तो हाथ पकड़ कर जोर जबरदस्त नीचे ले जाए। लेकिन जो ऊपर रहती दिन भर परेशानी, ये रोज रोज ये लीला हो रही है। एक दिन उसको बड़ा क्रोध आया, उसने रोटी पानी बना करके नीचे उतर करके आज बोले आज मैं मजा चखाऊंगी। पति जब घर बाहर से काम करके आए, बोले रोज रोज नीचे चले जाते हो, मैं ऊपर बैठी जाती, चल आज ऊपर चलो, उनको हाथ पकड़ करके ले जा रही थी। इतने में जो नीचे थी ना, बोले कहाँ जा रहे हो, मैं तो रोटी पानी बना करके बैठी हुई हूँ, एक तो हाथ पकड़ कर ले जा रही, एक ने टांग पकड़ ली, एक हाथ पकड़ कर खींच रही है और एक टांग पकड़ कर खींच रही है। बोले छोड़ो छोड़ो, कोई भी छोड़ने के लिए तैयारी नहीं। उसी समय में एक चोर घर में चोरी करने आया था, वो चोरी क्या करेगा तो नाटक देखना शुरू कर दिया। बोले ये क्या हो रहा है घर में, जिसको दो पत्नी, क्या ये क्या हो रहा है। बड़े देर से जब इनकी लड़ाई समाप्त हुई, देखा भैया घर में चोर घुसा हुआ, अभी उसको पकड़ कर पुलिस के पास में ले गए। बोले भैया इसको क्या सजा दी जाएगी। बोले पुलिस साहेब, मेरे को जीवन में जो कुछ सजा दोगे वो सजा लेने के लिए मैं तैयारी हूँ, लेकिन एक सजा मेरे को मत दिया करो, मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए, मेरे घर में दो पत्नी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये रासलीला को प्रारंभ कर रहे ना, वो सबको सावधान कर रहे हैं, ये रास रचया कोई साधारण नहीं, ये कौन है, बोले भगवान ही, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है ये भगवान कृष्ण, ये रास करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए एक बहुत बड़े संत हुए हैं जो सबसे पहले भागवत का टीकाकार लिखे,
उनका नाम भी श्रीधर स्वामी। वो रासलीला को वर्णना करते हुए कहते हैं, भैया ये रासलीला है क्या चीज? साधारण लोग कहते हैं ना, अरे क्या सब गोपियों को लेकर कृष्ण नाच नचाए। कहते नहीं, ये जो रासलीला भगवान की, ये काम विजय लीला। काम विजय लीला मतलब, हाँ अच्छे तरह से सुना। एक दिन कामदेव का बड़ा अभिमान हो गया। बोले क्या अभिमान हो गया? बोले सबको मैंने नाच नचा दी, किसी को मैंने छोड़ी नहीं। बोले किसको किसको? बोले ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा जी। एक समय उन्होंने एक बेटी को जन्म दी, बनाई। वो बेटी इतने देखने में सुंदरी थी, स्वयं ब्रह्मा जी अपना बेटी को बड़ा आसक्त हो गए और उसको पीछे ब्रह्मा जी भागे थे। कभी शंकर जी जब भगवान मोहिन रूप धारण की, हाँ जब मोहिन रूप शंकर जी धारण, कृष्ण धारण की, सारे देवता थे लेकिन श्री भोले बाबा नहीं थे। बाद में पता चला प्रभु ने मोहिन रूप धारण किया और सारे देवता बोल रहे थे इतने सुंदर थी, हमें कभी इतने सुंदर स्त्री मूर्ति नहीं देखा। एक दिन भोले बाबा ठाकुर के पास में आए, बोले प्रभु आपका सारे अवतार मैंने देखा है लेकिन एक अवतार नहीं देखा। बोले कौन सा अवतार? बोले वही। बोले बताओ कौन सा? बोले वही। अरे बताओ तो कौन सा? बोले प्रभु मैंने सुना आप क्या मोहिनी रूप धारण किया था। बोले हाँ। बोले प्रभु एक बार दिखा दो, मैंने देखा नहीं। बोले देखो शंकर जी, ये जो मोहिनी है ना, ये कामियों को मुग्ध करने के लिए, ये मोहिनी रूप को दर्शन करके तुम अपना धीरज धारण नहीं कर सकते। बोले प्रभु आप क्या बोल रहे हो? मैं देव देव महादेव जोगी जोगी महाजोगी में हूँ और मैं सत्यम शिवम मैं सुंदरम, अब क्या कह रहे हो? मैं धैर्य धारण नहीं कर सकता हूँ। बोले नहीं। बोले प्रभु एक बार दिखा दो। एक बार बोले ठीक है, समय आएगा तो दिखा दूंगा। एक दिन शंकर जी जंगल में पार्वती को गोद में लेकर बैठे हुए ठाकुर शंकर जी और त्रिशूल गाड़ दिए। जहाँ वो त्रिशूल गाड़ते हैं ना, वहां से कभी शंकर जी हटते नहीं। और पार्वती बहुत सुंदरी है, मृगनयनी पार्वती, बहुत ही प्यारी पार्वती। इतने में भगवान एक सुंदर झाड़ियों से ठाकुर जी मोहिनी रूप धारण किया। क्या सुंदर ठाकुर जी के रूप, मानो दिन में ही चंद्रमा कहीं प्रकट हो गए। अपना गेत उचाल तो हुए, भगवान मोहिनी अवतार में प्रकट हुए। और इतने में मोहिनी ने थोड़ी से शंकर जी को इशारा किया। इशारा करते ही इतनी सुंदरी मोहिनी थी, पार्वती बहुत सुंदर, उनको धक्का मारकर फेंक दी और उन्होंने ये मोहिनी को पीछे उन्होंने भागे। भागते भागते देखा मोहिनी पकड़ लिए, फिर वो माँ है नहीं, फिर दूसरे दूर में देखे। इतने में शंकर जी की व्याघ्र जो व्याघ्र चर्म कहीं गिरा, इनकी डंबर त्रिशूल पता नहीं कहाँ गिर पड़ा। शंकर तो नंगे होकर शंकर जी घूम रहे और उनका ब्रिज भी स्खलित हो गई। शंकर जी थोड़ी देर बाद में देखा, बोले भैया ये क्या है, ये क्या है ये? शंकर जी सोच रहे थे शायद किसी ने देखा नहीं। शंकर जी दुर्वस्था देख करके आकर चुपचाप बैठ गए। इतने में ठाकुर जी बोले, क्यों बोले बाबा, क्या बात है, क्या बात है? मैंने तुमको मना कर रहा था ना, मेरे मोहिनी रूप को देखना नहीं। बोले प्रभु आज मेरी सारी अभिमान चकना शुरू हो गया। हाँ मैं तो मोहिनी हूँ, गुरु को आसक्ति हुआ है। देखो भगवान की दो माया है, एक बहिरंगा माया और एक अंतरंगा माया। ये जो मोहिनी भगवान की अंतरंगा माया है, इसलिए मैं तो माया में मुग्ध हुआ हूँ लेकिन आपको बहिरंगा माया नहीं, ये अंतरंगा माया के प्रति मैंने आसक्ति हुआ। दुनिया को मैं ये बता सकता हूँ, भैया ठाकुर जी की माया को सामने कोई भी टिक नहीं सकते। इसलिए इंद्र भी, वो भी अहल्या के प्रति आसक्त हो गया। आसक्त होकर के पता नहीं कितने दुर्गति भोगना पड़ा। नारद भी, इनके मन में भी बड़ा अभिमान था, भैया मैं नारद हूँ, मेरे जैसे भगत कोई नहीं। वो नारद जी लक्ष्मी को ऊपर आसक्त हो गए, लक्ष्मी को ऊपर नारद जी आसक्त हो गए। इसलिए अभी श्री कामदेव सोच रहे हैं, मैंने विश्व ब्रह्मांड को अपना माया का द्वारा, कामदेव दुनिया को मैंने नचा दिया लेकिन अभी तक एक व्यक्ति बाकी रह गया, अगर उसको मैं अगर हरा दूं ना, विश्व ब्रह्मांड का मैं मालिक बन जाऊंगा। बोले वो कौन है? बोले बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी। अभी इनको साथ में दो हाथ नहीं हुआ है। एक दिन कामदेव श्री
बांके बिहारी को पास में गए, बोले प्रभु जी आ जाओ मेरे साथ में, दो हाथ कर लो, मैंने सबको मैंने परास्त किया, केवल आप ही बाकी रह गए। भगवान ने कहा देखो कोई चिंता मत करो, मैं जब द्वापर युग में, द्वापर का अति में जब मैं कृष्णा अवतार लेकर के आऊंगा, जब 70 करोड़ गोपियों के साथ में रास करूंगा ना, तभी तेरे को मैं बुलाऊंगा। नारद तो हंसते हंसते, कामदेव तो हंसते हंसते चले गए, बोले जब रास करोगे तभी, बोले हाँ तभी मैं तेरे को बुलाऊंगा है। उन्होंने तो हंसते हंसते उन्होंने चले गए, इतने में रास प्रारंभ होने वाले। ठाकुर जी अपना सुंदर बंसुरी से बोले जगो कलो बाम दृशा मनोहरा, तो उन्होंने बंसुरी से उन्होंने क्लिंग शब्द को उन्होंने उच्चारण किया, जो क्लिंग अक्षर है उसमें 5 अक्षर है, क ल ई चंद्र और बिंदु, इसमें 5 अक्षर है। देखना हर मंत्र से पहले ये क्लिंग अक्षर होता है, मानो इसको अंदर में ये विश्व ब्रह्मांड इसको अंदर में विद्यमान है, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड 5 चीज को द्वारा बना हुआ है। वो 5 चीज क्या है, बोले खीति जल पावक गग न समीरा, 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 पंचाय चीताया आत्म शरीरा, पंचाय चीताया आत्म शरीरा, चीति जल पावक गग न समीरा, चीति जल पावक गग न समीरा। का मतलब होता है कृष्ण, ल मतलब राधा रानी, ई मतलब मिलन, चंद्र बिंदु मतलब इनमें जो आनंद है, इसलिए ठाकुर जी ये क्लीन अक्षर को उच्चारण किया। लेकिन राधा रानी सुन रही थी, जैसे बंसुरी से केवल राधे 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 नाम, ललिता सुन रही थी बंसुरी से केवल ललिता ललिता नाम, विशाखा सुन रही थी केवल विशाखा विशाखा नाम निकल रहा है, हर गोपियां अपना नाम को सुन रही थी। इतने में कोई गोपी रसोई बना रही थी, कोई गोदहन कर रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही थी, कोई कपड़ा पहन रही थी, जो जो काम कर रही थी ना, उन लोगों ने उसी अवस्था में ही सब कुछ परित्याग करते हुए सब के सब कृष्ण के लिए दौड़ पड़े। जब दौड़ पड़े कुछ गोपियां तो निकल करके आ गई, लेकिन कुछ गोपियां निकल नहीं पाई, बोले आई कौन और नहीं आई कौन, बोले वही गोपियां आ पाई जिनको जोग माया ने मदद की। बोले बगले बोले मदद किसको की और मदद किसको नहीं की, बोले जिन गोपियों का शरीर को साथ में उनकी पति का संबंध था उनको जोग माया आने नहीं दी, क्यों, वो शरीर हो गया अपवित्र, वो अपवित्र शरीर रास रूप जो उत्सव में कृष्ण सेवा में लायक नहीं, इसलिए उनको पतियों ने आने नहीं दिए। लेकिन आने तक नहीं दिए, लेकिन उन लोगों ने अपना अंदर में रह करके ठाकुर जी को स्मरण किया, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण कन्हैया, हे दीन के बंधु, हे दया की सागर, ये रास रूपी महोत्सव में आप हम लोग सम्मिलित नहीं हो पाए, हमारा जीवन बेकार हो गया। जब उन्होंने विरह में पुकारना, वो शरीर तो वहीं पर रह गया, लेकिन आत्मा शरीर से सबके सब श्री कृष्ण को पास में आए। आने पर भगवान उनको स्वागत करते हैं, बोले स्वागतम मे महाभागा, भगवान उनको स्वागत करते हैं, बोले क्यों स्वागत करते हैं, बोले जगत में पृथ्वी में सबसे बड़े भाग्यवती तुम हो, क्यों, तुम लोगों ने घर का सारे काम काज जो कुछ बंधन को तुम लोगों ने तोड़ करके तुम लोगों ने मेरे पास में आए हो। जो भगवान को पास में आते हैं सारे बंधन को तोड़ करके जगत में, वो लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। भगवान उनको स्वागत किया, बोले देखो तुम लोग पतिव्रता नारी है, पतिव्रता नारी का धर्म होता है अपना पति की सेवा करना,
पति निर्धन लंगड़े लूढ़े हैं कई सभी क्यों नहीं हो, पत्नी के लिए पति ही ये परमात्मा है। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं हमारे जो हिंदू संस्कृति है, पत्नी के लिए परमात्मा कौन है, पति है, हैं? इसलिए पत्नी के लिए पति परमात्मा। और ठाकुर जी और एक शिक्षा दी है, बोले देखो ये घनाघोर अंधकार है, ये घनाघोर अंधकार में, इसलिए घनाघोर अंधकार में तुम लोग पति व्रता स्त्री हो, ये धर्म नहीं कहता है क्या करो और अंधकार रात में घर से कोई निकल जाओ। देखो ये शास्त्र में बताया जो स्त्रियां हैं हर समय किसी अधीन में रहनी चाहिए, जैसे बचपन में पिता माता के अधीन में रहे, बड़े हो गए पति के अधीन में रहे, जब बूढ़ी हो जाती हैं उस समय बच्चों को अधीन में रहनी चाहिए। शास्त्र बताया स्त्री को कभी स्वतंत्रता रूप में छोड़ने के लिए शास्त्र निर्देश नहीं दिया, कभी भी निर्देश नहीं दिया। स्त्री जाति के लिए बताया जैसे आटा को आप पानी दे करके उसको आप आटा को बना दो मार दो, अगर घर को अंदर में रखेंगे तो चूहा खा जाएगा, अगर उसको छत के ऊपर रखोगे ना फिर कौवा खा जाएगी। कहते स्त्री जाति ऐसे की जाति है, कभी भी इनको स्वतंत्रता में स्वतंत्रता कभी नहीं दी, हर समय इसकी अधीन में रहने का उपदेश दिया है। लेकिन अभी ये जगत में इतने डाइवर्स क्यों हो रहा है जगत में, और इतने सब गड़बड़ी क्यों हो रहा है, ये सब कारण क्या है? ये इतने सारे गड़बड़ी का जो कारण है ना यही है, स्त्रियां जब स्वतंत्रता अकेले हैं, जब स्त्रियां कहीं अकेले कहीं जाए ये सारे गड़बड़ी। पहले कभी स्त्रियां घर से बाहर निकलती थी अकेले, पति को साथ में जाएंगे जब बड़ी शादी हो जाए, नहीं तो अपना बेटे को साथ में जाएंगे कहीं बाहर जाए। पहले माताएं कभी अकेले जाती थी, लड़कियां कहीं बाहर अकेले जाती थी। अभी जितने सारे गड़बड़ी है ना, जितने क्राइम अभी हो रहे हैं, अगर आप लोग इंटरनेट खोल कर देखोगे ना 90% क्राइम इसलिए हो रहे हैं कि लड़का लड़की जो अवैध रूप में मिल रहे हैं, सारे क्राइम इसी के लिए हो रहा है। और 10% दूसरा चीज है, और 90% क्राइम केवल अवैध रूप में जो लड़का लड़की मिलती है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं किसी स्त्रियों को अकेले ने रात को घर से नहीं निकलनी चाहिए। ठाकुर यहाँ मना करते हैं, भगवान खुद कहते हैं तुम पतिव्रता नारी हो, ये घोर अंधकार में आना ठीक नहीं, घर में चले जाओ, घर में जाकर के अपना पतियों को जाकर के सेवा करो। इतने में कृष्ण ने कहा देखो गोपियां तुम लोगों के, एक मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुना। अगर जो स्त्री पतिव्रता धर्मों को पालन करते हैं, ये पतिव्रता धर्म में कितने शक्ति है चीज को सुनो। बोले सुनाओ। बोले एक समय दो पति पत्नी बड़े आनंद पूर्वक रहते थे, घर में एक छोटा सा लाला है जो केवल गुठन पर ही चलना अभी तक सीखा। थोड़ी देर पहले माता जी सुंदर उन्होंने लकड़ी में उन्होंने रोटी बनाई सब्जी बनाई थी, अभी आग धधक रही में चूल्हा में, इतने में पति पत्नी के जंघे पर सर दे करके पत्नी सो रही थी, पति सो रहा था, सोते समय हठात बच्चे का नींद खुल गई। नींद खुल गई तो वो बच्चा घुटन पर चलते चलते जो आग जल रही थी चूल्हे में उसको एकदम पास में चला गया। इतने में तो पत्नी एकदम घबरा गई, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए, बच्चा अभी चूल्हे में गिरने वाले, अगर मैंने पति मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे हैं, बच्चे को मैं रक्षा करने जाऊं ना पति की नींद मेरे को खराब करना पड़ेगा, मैं जो पतिव्रता स्त्री है इसमें हानि पहुंचेगी, लेकिन नहीं तो बच्चा अभी चूल्हे में गिरने वाले, अभी मुझे को क्या करनी चाहिए। अभी वो सोच रही है मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरा पहला कर्तव्य अपना पति की सेवा करना, भले ही बच्चे चूल्हे में गिर जाए। देखते देखते सचमुच से बच्चा जाकर चूल्हे में गिर पड़ा, अभी तो उसकी मन में खिलबली मच गई। थोड़ी देरी बाद में पति की नींद खुली, बोले लाला कहाँ है, बोले चूल्हे में गिर पड़ा, बोले तुमने बचाया नहीं, बोले आप मेरे जंगल के ऊपर सर न करके सो रहे थे, फिर आपका नींद खराब होता हमको बुलाता तो, बोले चलो चलो हम जा करके देखते हैं। देखो ये पतिव्रता धर्म में कितने शक्ति, जब गए ना इसकी पतिव्रता धर्म को देख करके जो अग्नि दे अग्नि को शांत हो गया, वो आग को अंदर में बच्चा किलकारी मारते हुए खेल रहा था, फिर उन्होंने जाकर के बच्चे को वहां से उठा करके ले आए।
इतने में कृष्ण ने कहा सुन लिया, जो स्त्री अपना पति व्रता धर्म को जाजन करते हैं कितने शक्ति पति व्रता धर्म में। इसलिए कृष्ण शिक्षा देते हैं माताओं को पति व्रता धर्म जाजन करनी चाहिए। लेकिन ऐसे कलयुग ऐसे वेस्टर्न कल्चर आ रहा है जिसमें अंधे जैसे भेड़ चाल जैसे हम लोग उसको पीछे पीछे भाग जा रहे हैं, बोले शायद उसमें ज्यादा सुख हो ज्यादा आनंद वेस्टर्न कल्चर में है। आप लोग पता नहीं बढ़िया, मैं विदेश जाता हूँ आप सोच नहीं सकते, उनको हर घर घर में कुत्ते रखते हैं। एक दिन मैं न्यूजीलैंड में गया था, एक दिन मैं समुद्र किनारे में घूम रहा था, देखा हर व्यक्ति को पास में दो दो तीन तीन कुत्ते। तो मेरे साथ में एक गुजराती कोई भक्त था, मैंने कहा भैया सबका पास में इतने कुत्ते क्यों हैं? बोले महाराज आपको क्या बता, बड़ा शर्मिंदा की बात। बोले बोलो, बोले यहाँ पर एक कुत्ते को नाम पर ना करोड़ों करोड़ डॉलर इनका नाम पर है। बोले क्यों? बोले पता नहीं ये पत्नी कब भाग जाएगी घर से, पत्नी को पति के प्रति विश्वास नहीं, पति की पत्नी के प्रति विश्वास नहीं। जैसे हम कपड़ा बदलाते हैं ना ऐसे ही, अगर वो सुनेंगे हमारे गुरु जी के बड़े बड़े भक्त लोग आते हैं यहाँ पर पूछते हैं आप पति पत्नी कितने साल से, बोले हम तो 20 साल 25 30 साल से। बोले अभी तक तो बोर नहीं हुए हो? वो कहता अभी तक तो तुम लोग बोर नहीं हुए हो? उनका आप सोच नहीं सकते, जैसे कपड़े बदलाते हैं ना ऐसे वो लोग पति बदलाते हैं। अभी तो शादी नहीं करते हैं, हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके घूमे बस खत्म। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है सनातन जो संस्कृति है, हैं उसी दिन वो बता रहे थे ना अमेरिका में कम से कम वहां पर 9 करोड़ व्यक्ति, अब गूगल खोज ढूंढ देना 9 करोड़ व्यक्ति जब तक नींद की गोली नहीं खाते तब तक उनको नींद नहीं आती, इतने उनके अंदर में डिप्रेशन और इतने उनकी चिंता है। लेकिन हमारे भारत में देखो कोई चिंता नहीं, चैन पर रात को नहीं दिख सोते। इसलिए हमें दिखता है जैसे वेस्टर्न कल्चर जैसे बड़ा चकाचौंध है, नहीं अंदर में देखोगे ना। जब हमारे बड़े गुरुजी अमेरिका गए थे उनका पहला लेक्चर था, जानते हो क्या लेक्चर था? मैंने सुना ये अमेरिका बड़े समृद्धशाली देश है, लेकिन जब मैं न्यूज पेपर पढ़ता हूँ जगत में सबसे ज्यादा अगर कोई सुइसाइड करके मरने वाले ये अमेरिका के लोग। सुइसाइड कब करता है? जब जीवन में संपूर्ण होपलेस हो जाए तभी जाकर कोई सुइसाइड करता है। इसलिए ऊपर तो बड़ा चकाचौंध लगता है लेकिन अंदर में देखो ना खोखला है। आप जीवन में जो कुछ उनके लिए कर लो केवल थैंक यू बोल करके ना वही खत्म हो जाती है। वो दिल से किसी को बात नहीं करते, दिमाग से बात करते, दिल से नहीं, दिल है ही नहीं बात क्या करेंगे। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसकी संस्कृति जैसे दुनिया में कोई संस्कृति है नहीं। बोले श्री भारत माता की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री राम। इसलिए इतने में गोपियों ने कहा कन्हैया हम भी आपके एक स्टोरी सुनाए। बोले सुना दो। बोले एक समय दो पति पत्नी बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे, एक दिन पति को कहीं बाहर जाना पड़ गया। बोले देखो कुछ दिन के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। पत्नी कहती है तुम बाहर जाओगे तो मैं अकेले क्या करूंगी, मैं ये श्रृंगार क्यों करती हूँ तेरे लिए, तो श्रृंगार करती हूँ, रसोई क्यों बनाती हूँ तेरे लिए, बिस्तरा क्यों सजाती हूँ तेरे लिए, घर में झाड़ू लगाती क्यों तेरे लिए, सब तो तेरे लिए करता हूँ, अगर तू अगर चले जाओगे मैं अकेले क्या करूंगी। बोले देखो मेरे को तो कहीं जाना ही पड़ेगा। बोले मैं अपना एक फोटो दे जाता हूँ, जब तक मैं नहीं आऊंगा ना तब तक तुम इसको पूजा करते रहना, उसको ही सजाते रहना। अभी पत्नी अभी फटो की पूजा कर रही थी, इतने में दरवाजा करके जब पूजा कर रही थी ना इतने में पति आ गया, दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया गोपियां कृष्ण से पूछ रहे अभी कृष्ण बताओ क्या करनी चाहिए। बोले भैया जब पति आ गए पर ये फटो पूजा करने का क्या जरूरत है? तो बोले कृष्ण तुमको आंसर मिल गया क्योंकि तुम ही गीता में बताए। बोले तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु सखा तुमैव, तुमैव विद्यांग द्रविण तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। आप ही तो गीता में बताया ना, आप ही जगत का पिता माता भाई बंधु। गीता में आपने क्या बताया? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अर्जुन, तो सब धर्म छोड़ करके मेरे चरण में आ।
आप तो बंसुरी बजा करके मेरे हमारे पास में बुलाया ना कृष्णा, अभी जो तुम इतने सुंदर सुंदर उपदेश दिया है, तुम कौन हो? बोले कृष्ण बंदे जगत गुरु, तू जगत गुरु हो। शास्त्र कहता है गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताए। प्रथम तो गुरु पूज्यम तथा ममार्चनम, तो स्वयं बताए पहले गुरु जी की पूजा करके फिर मेरी पूजा करो। आप तो जगत गुरु जगन्नाथ हो, इसलिए पहले तुम्हारी पूजा हमें करनी चाहिए। जब गोपियों ने ये उत्तर दिया ना, कृष्ण खुश हो गए। भगवान खुश होकर के ब्रज गोपियों को साथ में उन्होंने रास रचाए। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। भगवान जब रास कर रहे थे, जो एक आंख में काजल पहन करके आई थी ठाकुर जी दूसरे हाथ में पहना दिए, जो आधा कपड़ा पहन करके आई थी ठाकुर जी उनको पूरा कपड़ा पहना दिए, जो चरण की नुपुर को गले में, गले के हार को चरण में पहना दी थी ठाकुर जी उनको बढ़िया से ठाकुर जी उनको श्रृंगार कर दिए। अगर शरीर में पसीना निकले ना, ठाकुर जी दोपट्टा सा उनको पसीना पोंछ रही थी। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हमें कोई सुंदर रूप में श्रृंगार कर सकते हैं ना, ठाकुर ही हमें सुंदर रूप में सजा सकते। श्री ठाकुर जी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जब कृष्ण बोल रहे थे बोले गोपियां क्या थक गई हो, थोड़ी तुम्हारी चरण की सेवा कर दे। देखो स्त्रियों के अंदर में एक अपगुण भी है, जानते हो क्या अपगुण है? अगर पति अगर जिस पत्नी को ज्यादा प्रेम करता है ना, है तो वो पत्नी पति का सर पर चर बैठती है, बोले हमारे बगैर इनका चलेगा नहीं। अभी ये गोपियों के अंदर में सौभाग्यमद, क्या सौभाग्यमद है? मन मन में इनके अंदर में स्वतंत्र नायिका, स्वतंत्र नायिका मतलब है अभी राधा जी को कोई जरूरत नहीं, राधा रानी के बगैर हम पूर्ण नहीं। देखो कृष्ण हमें कितने प्यार दे रहे हैं, ठाकुर जी हमें कितने प्रेम दे रहे हैं, अभी इनके अंदर में सौभाग्यमद आया। इतने में कृष्ण ने देखा ये अभिमान ठीक नहीं है। यहाँ पर राधा रानी राशेश्वरी, श्री राधा रानी, इनके बगैर रास असंभव है, लेकिन ये तो राधा रानी को ही नेग्लेक्ट करना शुरू कर दी। इतने में कृष्ण और राधा रानी क्या देख रही हैं? कृष्ण हर गोपियों को साथ में प्रभु नृत्य कर रहे हैं, और कृष्ण एक रूप में मेरे साथ में भी नृत्य कर रहे हैं। अरे मैं जो राधा हूँ, राधा मतलब क्या है? बोले कृष्ण न आराध्यते इति राधा, कृष्ण भी जिनके चरण की आराधना करते हैं, वह कृष्णम समाराधयते इति राधा। जो संपूर्ण रूप में कृष्ण की सेवा करने वाले, आराधना करने वाले, अरे भैया मेरा महत्व क्या रह गया? इतने में राधा रानी मान करके रास छोड़कर चली गई। कृष्ण ने देखा जब राधा रानी चली गई फिर रास किस चीज की। इतने में कृष्ण भी सब गोपियों को त्याग देकर कृष्ण भी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने पर इतने जितने गोपियां थी ना, जैसे कि हाथी हस्तिनियों को छोड़ देने पर जैसे हस्तिनी पागली भी हो जाती हैं, ऐसे ही गोपियां कृष्ण प्रेम में तो एकदम पागली नहीं होने लग गई। कृष्ण प्रेम में पागली नहीं होने लग गई श्री ब्रज गोपियां। जब पागली में हो गई, अभी कृष्ण ने क्या किया, थोड़ी दूर गए जा करके अपना एक कुंज में अपना ड्रेस को उन्होंने बदला दिया। बदला करके एक श्यामा सखी के रूप धारण कर ली। श्यामा सखी धारण करके बोले देखो हम दो दो होकर के कृष्ण को ढूंढने के लिए चलो। कृष्ण ने राधा रानी को मनाने के लिए राधा जी के हाथ को पकड़ लिए और उनको एक कुंज में ले गए और सुंदर सुंदर फूलों से श्री राधा रानी को मान को मनाए और उनको श्रृंगार की। इतने में गोपियां कृष्ण को पूछ रही थी मेरे श्याम सुंदर कहीं देखे हो? बरगद पेड़ पीपल पेड़ को पूछ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले पेड़ तो बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन इसका फल बहुत छोटे छोटे है, मतलब इसका मन छोटा है। इतने में उन्होंने श्री माधवी लता को देखे, तुमने कहीं देखे हो? उसने भी कुछ बोले नहीं। इतने में उन्होंने श्री तुलसी कल्याणी को देखे, लेकिन बोले ये क्यों बोले, इस तो दाहक स्त्री एक स्त्री को देख नहीं सकती है, ये तो डहार कर रही है। ऐसे करते करते इतने में पृथ्वी को ऊपर नजर पड़ी। बोले हे पृथ्वी तुम तो सर्वत्र व्याप्त हो, तेरे को तो पता होगा कृष्ण कहाँ पर गए। जब नीचे देखा ना, इतने में कृष्ण की चरण छाप को देख करके पहचान गई।
अरे तो कृष्ण का चरण चिन्ह है, कृष्ण तो इधर गए कृष्ण। जब उनमें थोड़ी दूर गए, देखो कृष्ण के चरण में उड़े से चिन्ह है, केवल कृष्ण का चरण में ही उड़े से चिन्ह है, और किसी का चरण में उड़े से चिन्ह नहीं है। नारायण का चरण में केवल चार चिन्ह है, राम के चरण में केवल छह चिन्ह है, लेकिन श्री श्याम सुंदर कृष्ण चरण में बांके बिहारी के चरण में उड़े से चिन्ह। बोले क्यों? बोले जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म है, ये कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है। हम लोग कहते हैं ना भैया ठाकुर जी के चरण को स्मरण करो सब दुख दूर हो जाएगी। बोले क्यों? देखो सुन लो, कृष्ण का चरण में कमल है, अगर वो कमल को कोई स्मरण करना जैसे कमल से खुशबू निकलती है, तुम्हारे जीवन में भी खुशबू निकलेगी। कृष्ण के चरण में स्वस्ति है, अगर उसको स्मरण करोगे तुम्हारे घर में मंगल मंगल होगा। कृष्ण के चरण में जाप है, उसको स्मरण करोगे तो घर में खूब लक्ष्मी की, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। उनके चरण में चक्र है, उसको स्मरण करोगे जीवन में जितने शत्रु सारे शत्रु विनाश हो जाएगा। भगवान के चरण में गदा है, उसको स्मरण करोगे तो जितने दुष्ट को ये संहार करने वाले। इसलिए ठाकुर जी के चरण में जो शंख है, शंख को स्मरण करोगे तो दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगी, सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगी। इसलिए कृष्ण चरण में सब कुछ ठाकुर जी की चरण में विद्यमान है। जब थोड़ी दूर गई ना, इतने में देखा दोनों का चरण को बीच में एक छोटी सी बड़ी प्यारी चरण चिन्ह है। इतने में गोपियों ने कहा देखो देखो ये बीच में की छोटी चरण चिन्ह कहाँ है। लेकिन ये चरण चिन्ह राधा रानी की थी, लेकिन वहां पर तीन तरह का गोपियां हैं, एक स्वपक्ष, एक विपक्ष और एक तटस्थ। ये चीज को समझो, तटस्थ मतलब होता है जो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं राधा रानी को, एक होता है विपक्ष है जो केवल कृष्ण को प्रेम करने वाले, एक होता है स्वपक्ष जो केवल श्री राधा रानी को प्रेम करने वाले। अभी राधा रानी के चरण की जो सेवा करते हैं वो तो जानते हैं राधा जी के चरण में क्या चिन्ह है, उसको देख कर समझ गए। बोले अनया राधित नुनम भगवान हरीश्वर जन्ना बिहाय गोविंद। बोले देखो ये जो गोपी है यद्यपि कृष्ण का सबके सब सेवा करते हैं, लेकिन यही गोपी कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करते वाले, कृष्ण इनको सबसे ज्यादा प्रेम करते। क्यों? यहाँ पर सब गोपियां तो थी लेकिन कृष्ण लेकर गए तो गए किसी को, केवल इसी गोपी को लेकर गए। वो गोपी कौन है? श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की। और थोड़ी दूर गए, देखा वो चरण चिन्ह नहीं। बोले भैया वो चरण चिन्ह गया कहाँ? एक गोपी बोली ये तो हृदय में और भी ज्यादा पीड़ा देने वाले। क्यों? बोले कृष्ण चरण को देखो ज्यादा दबा हुआ। बोले मतलब? बोले मतलब क्या है? कृष्ण ने गोपी को अपना गोद में उठाए, इसलिए कृष्ण का चरण ज्यादा नीचे दबा हुआ है कृष्ण का चरण। ऐसे करते 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 जब चल रहे थे ना, चलते चलते इतने में कृष्ण राधा रानी को सुंदर श्रृंगार कर रही थी। इतने में राधा रानी, कृष्ण बोले देखो राधे चलो हम यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाते हैं, अगर गोपियां देख लेंगी ना फिर तो ये मान करके बैठेगी फिर महाराज नहीं होएगी। राधा रानी बोली मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे आप मेरे को रासों से उठा करके लाए थे ऐसे ही हमें उठा करके ले जाओ। बोले क्या गोद में बैठोगे ना कंधे में बैठोगे? बोले बैठना तो बैठा लो। जब बैठने के लिए गए ना, इतने में कृष्ण वहीं अंतर ध्यान हो गए और वहीं पर श्रीमती राधा रानी, हाँ कृष्ण कीर्तन करते करते वहीं पर श्री राधा रानी बेहोश हो जाती है। इतने में गोपियां आकर के राधा रानी को होश दिलवाए, बोले देखो कृष्ण को ढूंढो मत, कृष्ण छुपने के लिए कोशिश करेंगे, उनको उनका भजन सबसे ज्यादा प्यारी है, चलो हम सब के श्री जमुना किनारा में बैठेंगे और उनकी कीर्तन करेंगे। इसलिए जो कीर्तन किया उसका नाम कहते गोपी गीत। ये गोपी गीत में इतने शक्ति है, इतने शक्ति, आप लोग अगर घर में ये रोज गोपी गीत गाओगे ना कृष्ण कहीं नहीं रह सकते हैं, कृष्ण को आपका घर में आना ही पड़ेगा। अगर जो चाहते हो ठाकुर जी बांके बिहारी हमारे घर में आए फिर क्या करो, क्या पढ़ो? देखो इधर एक चीज को समझो, कभी कभी हम इसी देवता की
इसी देवी की अलग अलग स्तोत्र पढ़ते हैं, लेकिन श्री जो भाग्य बिहारी है इनके अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवा देवी श्री भाग्य बिहारी के अंदर में। अगर तुम्हारे घर में भाग्य बिहारी आ गई ना, कितना जा पर कृपा हरि की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए, ये 33 करोड़ देवता तो अपनी आप तुम्हारे ऊपर खुश हो गए। इसलिए घर में कोशिश करो ये गोपी गीत को गाने के लिए ठाकुर जी तुम्हारे घर में आएंगे, और जिस घर में ठाकुर आ जाए कितना मंगल होवन अमंगल हरी, घर के सारे अमंगल दूर हो जाएगा। क्यों? ठाकुर जी तुम्हारे घर में विद्यमान है। इसलिए हम लोग दो चार श्लोक सुन लो, प्रभु जी गा लो तो दोनों का मिल हो जाएगा। Oh,
अर्पितम् हे पदाम्बुजो गोपी गीत गाए बोले तासा आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर दरसर की साक्षात मनमत मनमत भगवान मनमत का मनमत रूप लेकर के गोपियों को बीच में प्रकट हुए। इतने में कोई गोपी तो जाकर चरण पकड़ ली, कितने जा किसने बहम पकड़ ली, किसने गलवेनिया लगाई, किसने तांबुल मांग रही थी। लेकिन कुछ गोपियां दूर से खड़ी होकर देख रही थी, लेकिन एक गोपी बड़ी दूर में खड़ी होकर के बोले एका भ्रुकुटी माबाध्या प्रेम समृत अभियान, वो अपना तिरछ चितवन से कृष्ण को जैसे हाँ तीर मार रही है। कहते भैया ये गोपी कौन है, कृष्ण किसको तरत में देख रहे थे, क्योंकि उसी गोपी को तरत में। बोले वो गोपी कौन है, वो श्रीमती राधा रानी। इसलिए जो दूसरे दूसरे गोपियां देख रहे थे, ये कौन है, ये ललिता विशाखादी सखियां। बोले भले ही तुम लोग कोई हाथ पांव क्यों नहीं पकड़े, लेकिन देखो हमारे श्याम सुंदर किसको तरत में देख रहे हैं। बोले श्याम सुंदर का नजर केवल श्री राधा रानी की तरफ में। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की। इतने में गोपियों ने अपना चुंदर उतर करके भगवान को बैठाए और उनको तीन प्रश्न किया। बोले प्रभु जगत में तीन तरह के लोग होते हैं, एक नंबर लोक है जो भजन करने पर भजन करता है, दूसरे नंबर के करो नहीं करो तभी करता है, तीसरा नंबर का व्यक्ति है करे नहीं करे जिसको साथ में कोई मतलब नहीं। आप बताओ ये तीनों में तुम कौन है। बोले गोपियां जो भजन करने पर भजन करते हो बढ़िया, जैसे बढ़िया के पास में जाओ 100 रुपया देकर लेकर के ला दाओ, 100 रुपया दो, 100 रुपया का माल दे दिया, उसको साथ में कोई प्रेम नहीं है, हैं वो लेन देने का संबंध है। दूसरा नंबर है करो नहीं करो तभी करता है, ये कौन है, बोले पिता माता। जैसे भले ही बच्चा जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए, देखना पिता माता कभी भी बच्चों को छोड़ नहीं सकते, कभी भी जो कुछ भी हो कहते नहीं ये मेरे लाला है, ये मेरी लाली है, इनके हृदय में जो भावना है बड़ी ऊंची भावना है। देखो एक समय एक प्रेमिका एक प्रेमिक को बोला, देख तभी मैं तेरे को प्रेम करूंगी अगर तू मैया को मार करके उसका दिल अगर ला करके दे दोगे। वो तो प्रेमिका की प्रेम में पागल था, वो गई अपना मैया को ही मार डाली और उसके हार हृदय को जब ला रहा था इतने में ठोकर खा कर गिर पड़ा, माँ की हृदय से आवाज आ रही थी, बोले बेटा कहीं तुमको चोट तो नहीं पहुंचा। माँ के हृदय से क्या आवाज आ रही थी, बेटा तुमको कहीं चोट तो नहीं पहुंचा। मतलब माँ की जो हृदय है ना, हम कभी सोच नहीं सकते माँ की इतना हृदय है। इसलिए क्या करनी चाहिए हमें, पिता माता को ऐसे नहीं घर में बहू आ गई, बहू ऐसे रात को कान में मंत्र दिए, जो माँ तुमको जन्म दिया
जिसने तुमको लालन पालन की, जिसने गिली में सो करके तेरे को सुखा में सुलाई, मुंह की खाना निकाल करके जिसने तुमको दिया, ऐसे नहीं घर में के बहू आ गई और आ करके ऐसे एक मंत्र दिया, अपना मैया को अलग कर दिया। कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए, कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए। हर समय क्या करनी चाहिए, अपना पिता माता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना। और जो सास ससुर है, हाँ देखो जो सास ससुर, आप भी देखो सास ससुर, जो सास होती है ना उसको साथ में बहू की हर समय, ये बड़ी पुरानी रीति है, इनको साथ में बढ़ना बड़ा कठिन होती है। कारण यही है, कारण क्या बोले, कारण है जो सास है बहू को कभी बहू नहीं समझे, अपना बहू को क्या समझे, बोलो जोर से, बेटी। और जो बहू माँ को क्या समझे, सास को क्या समझे, माँ। बस इतना अगर कर दो ना, सारे झमला खत्म है, सारे समस्या खत्म है। इसलिए हर समय अपना घर को राम राज्य बनाओ, राम राज्य बनाओ। पिता माता की सेवा करो, गुरुजन को आदर दो, क्योंकि पिता माता की सेवा करने से सबेरे भगवान राम क्या करते थे, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात प्रीत गुरु नमय माथा। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले अपना पिता माता की चरण छुआ करते थे। भगवान राम जब विश्राम करते थे, भगवान दशरथ जब विश्राम करते थे, भगवान राम स्वयं पिताजी की चरण की सेवा करते थे। पिताजी के आदेश पालन करने के लिए ठाकुर जी 14 साल के लिए वनवास चले गए। कितना साल के लिए वनवास गए, ये कब, ये संस्कृति कब हमारे हृदय में आएगी, जब घर में रामायण को हम पढ़ेंगे, गीता भागवत पढ़ेंगे, तभी ये भावना, ये संस्कार हमारी हृदय में आएगी। इसको पढ़े बगैर हृदय में ये संस्कार कभी आ नहीं सकती है। इसलिए अपना घर को क्या करो, अयोध्या, क्या बनाओ, अयोध्या और अवध अपना घर को बनानी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ देखो, आप एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देखो। देखो एक समय घर में पत्नी आई, जब घर में पत्नी सामने सामने जो बैठे है ना, सब ध्यान देखो सुनो, ये तो बच्चों के पीछे चले जाओ। इसलिए एक समय घर में एक बहू आई, घर में शादी करके जब बहू आई, अभी तो बहू पहले कैसे लगती है, चंद्रमुखी है, अभी चंद्रमुखी, बाद में तो सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी बनती है, अभी चंद्रमुखी। अभी उसने पति को ऐसे मंत्र पढ़ाई, बोले देखो घर में कुछ कारण से लड़ाई हो गई, वही गई तो पत्नी ने अपना पति को बोला, देख तेरे घर में मैं नहीं रह सकता। बोले क्यों, बोले तेरे मैया को साथ में लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए तेरे साथ में मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं तो अपना पियर जा रही हूँ, अगर तुम रहना चाहते हो तुम चलो, मैं तुमको लेकर अलग में रहूंगी, अलग में रहूंगी तभी रहूंगी। इतने में बेटा ने जाकर के माँ को बोले, बोले मैया पत्नी कहती है तुम्हारे साथ में रहेगी नहीं, चलो हम दोनों जाकर के हम अलग कहीं रुकेंगे। इसलिए देख मैया एक काम कर, जब से तुमने जन्म लिया ना अभी तक तुमने मेरे पीछे जितने पैसा लगाए, पहले तुम हिसाब करके बोल दो, इतना पैसा लगा मैं उतना, उसे डबल पैसा मैं तेरे को मैं दे दूंगी, तुम अलग रहो मैं पत्नी को लेकर अलग रहती हूँ। इतने में मैया ने कहा, देख बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो हिसाब करना आता ही नहीं, इसलिए मेरे को 1 महीना दे दे, मैं हिसाब करके बता दूँ। बोले 1 महीना नहीं कोई बात नहीं, 2 महीना दे देता हूँ। लेकिन पत्नी ने क्या कि वो अपना पीहर चली गई। बोले तभी मैं घर में आऊंगी जब तू अपना माँ से अलग रहोगी। अभी एक दिन ठंडी का समय था, बेटा सो रहा था, इतने में उसकी माँ ने एक लोटे में पानी ली, पानी लेकर के ना जो सो रहा था, पता होगा ठंडा का समय में कैसे ठंडी लगती है, हाँ रजाई बड़ी मोटी थी, उसने लोटे में लेकर के एक तरफ पे पानी डाल दी, जब डाल दी बच्चे ने करवट लेकर दूसरे तरफ में सो गया। थोड़ी देरी बाद में फिर माँ ने क्या की, दूसरे तरफ में भी पानी डाल दी, जब पानी डाल दी इतने में तो नींद खुल गई बेटा का। बोले तू क्या कर रहे हो, क्यों पानी डाल करके मेरे को तंग क्यों कर रहे हो, सो गया। फिर मैया ने थोड़ी देर बाद में दूसरे तरफ पे पानी डाल दी, इतने में उसको इतना क्रोध आया, बोले तू क्या कर रहे हो, मेरे क्या सोने नहीं दोगे, क्यों ये पानी डाल रहे हो। देखो मैया क्या कहती, बोले बेटा तुमने कहा है ना, जन्म से अभी तक
तुमने हिसाब करके मेरे को दे, मैं एक रात का हिसाब कर रही हूं। क्या कर रही हूं? एक रात का मैं केवल हिसाब ले रही हूं। लेकिन तू जब जन्म लिया ना, जब तू पेशाब कर देता था, मैं गिली में सो करके तेरे को मैं सुखा में सोती थी। फिर दो बार जब तुम पेशाब टाटी कर देता था, फिर मैं गिली में सो कर तेरे को सुखा में सोया करती थी। ऐसे कितने रात तक मैंने सोई नहीं, एक रात नहीं। जो लोग बच्चों को पालन किए हो, आपको पता होगा कितने रात तुमने रात भर रोता था, रात भर रोता था। लेकिन कभी रात रात तेरे पीछे मैंने सोई नहीं, और मुंह की खाना निकाल करके मैं तुमको खिलाया करती थी। और तुमने कहा जन्म से अभी तक हिसाब कर दे, केवल मैं एक रात का ही पे मैं हिसाब लगा रहा था। बच्चों को ज्ञान आ गया, बोले सचमुच से हम कभी भी माता जी की ऋणी कभी चुका नहीं सकते हैं। देखो जितने बहू हैं अच्छे तरह से सुनो, एक दिन हम भी एक दिन सास बनने वाले हैं। हम जैसे अपना सास की सेवा करेंगे ना, हमारा बच्चे भी हमको देख रहे हैं, वो बड़े बन करके हमें ठीक वैसे सेवा करेंगे, ठीक वैसे सेवा करेंगे। अगर खुद अगर सेवा नहीं करेंगे, फिर देखो अगर किसको इतना बड़ा पत्थर फेंको ना, इतना बड़ा पत्थर तुम्हारे लिए रहा होगा। इसलिए ये चीज को समझो, एक दिन सबका सास ससुर बनना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, और जो सांस है अच्छे तरह से आप भी सुन लो, सांस मतलब जो बहू को श्वास लेने नहीं दे, कौन बनेगा? ऐसे नहीं होनी चाहिए। अपना बहू को बेटी मानो, और जो जो बहू है अपना सास को क्या मानो, माँ मानो। बस सारे खत्म, सारे खेल खत्म हो जाएगी। इसलिए सबके सब आपस आपस में प्रेम प्यार दो, दे करके सब गुरुजनों को सेवा करो। सेवा करते हुए हाँ, जिस घर में शांति सुख है, हमारे पास में पैसा है, धन दौलत सब कुछ, लेकिन शांति सुख नहीं तो उसका कोई महत्व है? जीवन का अनमोल संपत्ति शांति है। अगर दो सूखे रोटी में अगर शांति मिले ना, जीवन का सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। इसलिए घर में मिलजुल करके रहो, गुरुजनों को सेवा करो। ठाकुर जी हमें यही शिक्षा प्रदान करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और जितने बहू हैं सबके सब सवेरे उठ कर क्या करना, सास ससुर की चरण छुआ करो। क्या करोगे? जो बच्चे पिता माता की चरण छुए, देखो एक संत कह रहे थे, आप बुरा मत मानो, जैसे एक व्यक्ति का दो तीन लड़के हैं, घर का जिसने सोना चांदी कहाँ रहता है, पिता माता के पास में रहता है, सारे सोना चांदी पिता माता के पास में रहता है। जो बहू अगर एक बेटा का तीन बेटे तीन बहू हैं, जो बहू ज्यादा सास की सेवा करेगी, घर में जो सोना चांदी बंटवारा के दिन तो होने वाले हैं। अगर जो बहू ज्यादा सास की सेवा करेगी, सास क्या करेगी, वहां से उठा करके उसको पहले पकड़ा देगी, बोले तू इसको अलग रख ले, क्यों, अभी बंटवारा होगी ना, बंटवार में बराबर होगी, लेकिन तुमने तो मेरी बड़ी सेवा की, उसको अलग उठा करके दे देगी। मतलब अगर सांस की सेवा करोगे ना, तुम्हारी लाभ ही लाभ है, कोई इसमें नुकसान उसमें नहीं। इसलिए पिता माता की सेवा करने से कहते चार चीज मिलता है, बल, जस, श्री और ऐश्वर्य। ये चार चीज मिलता है जो गुरुजन पिता माता की जो सेवा करते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले करे नहीं करे तभी प्रेम करता है, ये कुल पिता माता ही करते हैं। तीसरा तरह का करे नहीं करे कोई मतलब नहीं, कोई तो चार तरह के, आत्मा राम, आप तो काम, गुरुद्रोही, अकृतज्ञ। बोले हे कृष्ण, तू तो आत्मा राम अकृत गुरु, आत्मा राम और तुम नहीं हो, लगता है तू अकृतज्ञ। राधा रानी तुम्हारी प्रेम की गुरु है, तुमने बंसुरी बजा करके हमें बुलाए घोर रात में, और यहाँ पर छोड़ कर तुम कहाँ चले गए, लगता है तुम अकृतज्ञ हो। इतने में कृष्ण ने कहा, देखो प्रेम के दो पहलू है, एक विरह एक मिलन। इसलिए मैंने छोड़ा था तुमको बताए, जगत में तुम्हारी हृदय में मेरी प्रति जो प्रेम है, ये दुनिया को ये प्रेम में दिखाना चाहता था। क्या दिव्य रत्न तुम्हारी हृदय में, अगर मैं नहीं जाता, तुम लोग कभी ये भजन गाती, गोपी गीत गाती कभी, मैं कहीं नहीं गया था, तुम्हारे बीच में बैठा हुआ था, और तुम्हारी विरह को है, तुम जो मेरे को ताना मारते हुए बात कर रहे थे, केवल मैं वहां सुन रहा था, है केवल मैं सुन रहा था। इसलिए भगवान ने बोले, देखो मैं कभी तुम लोगों को छोड़ा नहीं। फिर भगवान ने दिव्य रास लीला करते हैं, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, ठाकुर जी दिव्य रास लीला करते हैं।
जिस रासों में दर्शन करने के लिए स्वयं शंकर जी गोपेश्वर रूप धारण करके आए। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की, हर जोर से बोलो, बोले श्री गोपेश्वर महादेव की। इसलिए शंकर जी जब गोपेश्वर महादेव रूप धारण करते हुए आए, कृष्ण बोले रास में आनंद नहीं आ रहे हैं। शंकर जी को हाँ बोले, बोले तुम आज ये क्या है? बोले प्रभु तुम्हारी रास दर्शन करने के लिए मेरे मन में इच्छा हुई है, इसलिए मैं गोपी रूप धारण करते हुए आया हूँ। शंकर जी को बोले प्रभु, शंकर जी आज से वृंदावन में तुम ये गोपीश्वर शिव रूप में तुम्हारी पूजा होगी। अभी भी जब वृंदावन में जाओ जरूर श्री गोपीश्वर महादेव का दर्शन करनी चाहिए। हैं बोले श्री गोपीश्वर महादेव की जय। रास कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। एक दिन भोले भंडारी मन की बज की नारी वृंदावन आ गए, दास में आ गए। एक दिन भोले भंडारी मन करके बज नारे वृंदावन आ गए, दास में आ गए। पार्वती जी बना के हारी रामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, दास में आ गए। पार्वती जी मना तुम्हारी रामा ने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, दास में आ गए।
Thank you.
कृष्ण रुक्मिणी कोई बने हैं? हरे कृष्णा, ठीक ठीक, उनको बना कर रखा, बैठा, नहीं नहीं बैठा हो, मैं भुलाऊंगा, बन गए तो उनको बैठा हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो, इतने भगवान रास किए, नारद जी कृष्ण को आकर के बोले, प्रभु आप ब्रज लीला में इतने मस्त हो गए हो, आप जगत में क्यों किस लिए आए तो भूल गए थे, अभी तो कंस को उद्धार करना, चारणों मुष्टि को उद्धार करना, अभी ठाकुर जी को अभी द्वारका में जाना, आपको 16,108 पटरानियों के साथ में शादी भी होगी, आप तो ब्रज लीला में मस्त हो गए हो, बोले क्या करना पड़ेगा, बोले प्रभु जल्दी जल्दी मथुरा में चलो। ठाकुर जी मथुरा में गए और जा करके ठाकुर जी चारणों मुष्टि को भी वध किए, कुबलिया हाथी को भी उन्होंने उद्धार किए, कंस मामा का भी उन्होंने उद्धार किया। ठाकुर जी उद्धार करते हुए ठाकुर जी द्वारका में जाकर के ठाकुर जी 16,107 पटरानियों के साथ में ठाकुर जी शादी भी किए, एक एक पत्नी से 10-10 बच्चे बेटे और एक एक बेटी बेटी ठाकुर जी को हुई। अभी ठाकुर जी ये अपना लीला को अंतर ध्यान करना चाहते थे, इतने में सांबो को कृष्ण के लड़कों ने बड़ी सुंदर के बहू बना करके पेट में कुछ कपड़े को रख दिए और ऋषि मुनि लोग आ रहे थे और इनको खिली उड़ाते हुए बोले, बोले बाबा बताओ ये लाली की गर्भ में, ये बहू की गर्भ में बेटा होगा ना बेटी होगी। ऋषियों ने अभिशाप दिया, बेटा बेटी नहीं, इसकी पेट से मुसल जन्म लेने वाले, जिसको द्वारा तुम्हारी वंश ध्वंस होगा। अभी उन्होंने डर गए, डर करके उन्होंने सचमुच से जब उन्होंने कपड़े को खोले ना, उसका अंदर के मुसल निकला। उन्होंने श्री उग्रसेन को पास में गए, बोले उन्होंने बोले जाओ समुद्र को बीच में घिस घिस कर उसको पाउडर बना दो, वही बन गया एरेक नाम दे के वृक्ष, थोड़ी सी बच गई लोहे से जैसे, उसको फेंक के तो उसके एक मछली ने निगल गया और वही एक केवट था जिसको पकड़ करके पेट फाड़ा तो वहां से छोटी सी नोकली सी एक लोहे निकला,
उसने अपना तीर में लगा दिया, यही बन गया ध्वंस का कारण, सब जैसा बन गया। एक दिन बड़ी उत्पात हुई द्वारका में, कृष्ण ने कहा देखो हम सबको पर ऋषि मुनिया का अभिशाप है, चलो हम सब जैसे प्रभास क्षेत्र में जाएंगे, वहीं पर स्नान करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके सारे पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। वहीं पर जब गए, स्नान किया, दान ध्यान की, एक स्वम नाम का एक रस को पान करते ही सबके सब नशा चढ़ गया, और जो एरक नाम का वृक्ष था उसको उखाड़ करके एक दूसरों को ऊपर में मारना शुरू की, और जिसकी शरीर में लगे जाए ना वहीं पर वही लग जाए। इतने में श्री बलदेव प्रभु पानी में प्रवेश करते हुए शेष नाग रूप में अपना धाम में चले गए। कृष्ण सुंदर एक कुंज में बैठे हुए थे, दूर से वो सबर ने, वो बहेलिया ने आए कृष्ण का चरण को हिरण की मुंह मान करके बाण मारे तो देखा ठाकुर जी है। बोले प्रभु मेरी अपराध हो गई। बोले चिंता मत करो, मैं ये संसार छोड़ करके जाना चाहता था, इसलिए मैंने लीला की है, देखो विमान आया, बैठो और तुम अपना धाम में चले जाओ। इतने में भगवान कृष्ण उद्धव जी को बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने ज्ञान की उपदेश दिए। बोले हे उद्धव, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते मानुष्यम् अर्थदम् अनित्यापि अधिर। बोले हे उद्धव, ये जो मानव शरीर है ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता है, ठाकुर जी बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते हैं, इसलिए ये जीवन पा करके अगर प्रभु की भक्ति कर लिया तो समझो ये जीवन तुम्हारी धन्य हो गई है। बोले तृणम, तृणम मतलब क्या, जितने जल्दी से जल्दी पारो ठाकुर जी की भक्ति में लग जाओ, कितना कल कर सो आज करो और आज कर सो अब। बोले पल में प्रलय होगी बहुरी रहेगी कब। भगवान की भक्ति के लिए ठाकुर जी कहते हैं काल विलंब नहीं करनी चाहिए, जितने जल्दी हो सके भगवान की भजन में हमें लग जानी चाहिए। इसलिए श्री प्रह्लाद महाराज बच्चों को शिक्षा देते हैं, बोले बच्चों भगवान की भक्ति कब से करनी चाहिए। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे अभी कोई भजन का उम्र करे है, ये बचपन से कंठी माला तिलक तुमने क्या धारण कर लिया, ये कोई उम्र है भजन करने की। अरे जब शादी शुदा करके बच्चों को शादी दे करके जब रिटायर लाइफ हो जाएगा एक दो माला सटका लेना, तो अभी से ये तिलक माला कंठी ये सब क्या है। ये बच्चों ने प्रश्न किया श्री प्रह्लाद को। जब प्रह्लाद महाराज ने बताया बच्चों भगवान की भक्ति करो, बोले अभी से क्या भक्ति करेंगे। हाँ ध्यान देख रहे सुनो, ये प्रह्लाद कहता है, बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। बोले हे बच्चों, कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति ये 5 साल उम्र से भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। उन लोगों ने पूछे भैया 5 साल से क्यों करे, जब बड़े होंगे तभी ये भक्ति करेंगे। तब प्रह्लाद जी कहते हैं, प्रभु जी अभी कोई खड़े मत हो सामने, कोई खड़े होता होना नहीं, सब बैठे सबके सब, इसलिए कभी ये बचपन से करने का क्या जरूरत है, जब बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। देखो ध्यान देकर सुनो प्रह्लाद क्या कहता है। बोले तुम्हारी कोई गारंटी कार्ड है तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में कहीं गारंटी कार्ड क्या है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में किसी फैक्ट्री में आग लगी तो कितने लोग मर गए, रोज न्यूज पेपर पढ़ो पता नहीं कैसे कैसे लोग मर रहे हैं। क्या कोई हमने जो श्वास लिया दूसरा श्वास ले पाएंगे, किसके पास में कोई गारंटी कार्ड क्या है। इसलिए प्रह्लाद कहते तुम्हारी कोई गारंटी कार्ड क्या है। बोले भैया इसी जीवन में नहीं होगा तो दूसरे जीवन में कहेंगे करेंगे। बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये जो मानव शरीर है ये 84 लाख जन्म के बाद में भगवान एक बार ही ये जन्म दिए, ये जीवन बारंबार ठाकुर जी नहीं देते हैं। ये मानव शरीर नहीं, कोहिनूर हीरे हमें ठाकुर जी दिए, कोहिनूर हीरे दिए। जैसे टाटा बिरला को मालिक मानव अंतिम सज्जा में लेटा हुआ है, डॉक्टर बोल दिया इसका अंतिम श्वास है, बोले 4 कोहिनूर हीरे देते हैं, इसकी 4 श्वास वापस ले आओ, वापस ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते हैं। इसलिए मानव शरीर एक एक श्वास की अनमोल अनमोल है। ये श्वास की सार्थकता कब,
जब हमारे श्वास श्वास से भगवान के नाम निकले तभी समझो ये श्वास की सार्थकता। क्यों बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये राम स्वयं कह रहे 84 लाख जीवन में एक ही जीवा ठाकुर जी दिया जिसमें तुम राम राम कृष्ण कृष्ण कह सकते हो, और कोई पृथ्वी में कोई बोल ही नहीं सकता है, कोई ऐसे कोई नहीं जो केवल हाँ भगवान की भक्ति भगवान की भजन कर सकते हैं। एक ही हृदय दिया है जिसमें हम भगवान को स्मरण कर सकते, ठाकुर को ध्यान कर सकते, कोई जानवर कर सकता है ना पेड़ पौधा कर सकता है। इसलिए भगवान कहते ये मानव शरीर नहीं, तुम 84 लाख जन्म भ्रमण करते करते अभी मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे हो। अगर ये जीवन अगर विषय में भोग करते हुए अगर चला गया तो फिर ठाकुर जी ये मानव शरीर दोबारा ठाकुर जी देने वाले नहीं। इसलिए ठाकुर जी कहते तृणम, तृणम मतलब क्या है, जितने जल्दी से जल्दी पारो भगवान की भक्ति करो। इसलिए प्रहलाद ने दो चार उदाहरण दिया, आप लोग भी सुनो, ये बचपन से क्यों भक्ति करे, ये बुढ़ापा में क्यों नहीं करे, ये प्रहलाद कहते हैं। उन्होंने 3-4 उदाहरण दिया। पहला नंबर उदाहरण दिया, जब मिट्टी कच्चा हो ना, कच्चा मिट्टी में जो कुछ बनाना आप बना सकते हो, मिट्टी जब पक जाती है फिर कुछ बनेगी बताओ, मिट्टी जब पक जाएगी कुछ बनेगी नहीं। कोरे कागज में जो कुछ लिखना कोरे कागज में तो लिख जाएगी, जो कागज में एक बार लिख लो उसको ऊपर लिखने के लिए जाओ फिर लिख सकते हो। फूल जब खिला हुआ हो ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हो, फूल जाए जब सूख जाए ठाकुर जी के चरण में चढ़ेगा नहीं चढ़ेगी। इसलिए बांस जब कच्चा हो जितना टेढ़ा करना तो टेढ़ा हो जाएगी, बांस जब पक जाएगी वो टेढ़ा होगा वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा होने वाले नहीं। पौधा जब छोटा हो एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह में लगा सकते हो, लेकिन इसका जड़ जब नीचे चली जाए आप उखाड़ करके लगाओ वो जम नहीं सकता है। इसलिए प्रहलाद ने कहा बच्चों भक्ति 5 साल उम्र से शुरू कर दो। बोले क्यों रिटायर्ड लाइफ में क्यों नहीं करे, बोले सरकार क्यों रिटायर करता है, जब देखता है तुम 8-10 घंटा और काम नहीं कर सकते हो, बोले हो गया तेरा जो कुछ घर में जाओ, घर में चले जाओ तुमसे कुछ होने वाले नहीं। जब साधारण काम से तुम रिटायर हो गए, कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नहीं, फिर क्या करो। फिर उन्होंने लास्ट एग्जाम्पल दिया, देखो ये चीज को ध्यान देकर सुनो, ये बच्चों को समझा रहे हैं। बोले बच्चों कहते हो बुढ़ापा में करोगे, बोले हाँ। बोले मानो एक इंसान 100 साल तक जिंदा रहेगा, बोले हाँ। बोले आधा रात आधा दिन, रात को तो सोते सोते 50 साल बीत गया, 50 साल बाकी रह गया, 50 साल में 10 साल तक बच्चा खेल कूद में अपना जीवन बिता देता है, 50-10 कितना हो गया 60 हो गया, 20-25 साल तक पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरत है कितना हो गया 75-75 साल हो गई। फिर जो बुढ़ापा जो उम्र होता है 80 साल से लेकर 100 साल तक, आप देखना आंख में दिखाई नहीं पड़ता, कान में सुनाई नहीं पड़ता, नीचे बैठ गए तो उठने का ताकत है ही नहीं, धीरे धीरे बीमारी में 20 साल तक केवल बीमारी बीमारी में केवल चिंता करते करते चली जाती है। बीच में 5 साल बाकी रह गया, बच्चों को पढ़ाना शादी करना दुकान मकान बनाना कितने सारे कामना है, 100 साल हो गया। आप देखोगे 200 साल का प्लानिंग बना कर बैठे रहते हैं, ये करना वो करना वो करना वो करना वो करना। प्रहलाद ने कहा बच्चों ये बताओ फिर प्रभु की भजन कब करोगे, भक्ति करो कब कब करोगे। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं देखो जैसे आप लोग हो, आप देखो समझो हम ठाकुर को सामने बैठ करके 10 मिनट ही हम ठाकुर जी का ध्यान लगाना चाहते हैं, कितना 10 मिनट। आप देख लेना 10 मिनट बैठो ठाकुर जी का ध्यान लगाएंगे, आप देखना 1 मिनट भी भजन में मन नहीं लगेगा, 1 मिनट भी हमारी भजन में मन नहीं लगेगी। बोले क्यों, रील में जो भरेंगे तो वही निकलेगा ना, रील में जो भरा हुआ ना वही निकलेगा। अगर बचपन से भक्ति की अगर हम संस्कार डाले फिर अंतिम समय में वही चीज निकलेगा। इसलिए ध्रुव प्रहलाद ने 5 साल उम्र में भजन की, हनुमान तुलसीदास जी यंग अवस्था में, मीराबाई ने बचपन से, कोई बूढ़े होकर भजन नहीं किया है। इसलिए प्रहलाद जी कहते भैया भक्ति बचपन से ही आदत डालो भगवान की भक्ति करने के लिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। देखो अभी हम कथा को विश्राम देने जा रहे हैं,
हम लोगों ने कितना दिन कथा सुनी है। ये बच्चे सब किसके हैं? अपना गोद में बैठा करो बच्चों को। 7 दिन कथा सुनी है। नियम है कथा से कुछ लो और कथा में कुछ दो। बोले कथा से क्या ले और क्या दे? बोले जितने गंदी चीज को दे दो। बोले लो क्या? बोले भगवान की भक्ति लो, भगवान की प्रेम लो। बोले गंदी चीज कितने हैं? बोले 4 चीज भागवत में गंदी बताया। जहां श्री परीक्षित महाराज ने कली को जो 4 जगह पर स्थान दिया, बोले कहां कहां पर दिया है? बोले पहला नंबर है दुतम। दुतम मतलब होता है कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेलनी चाहिए, हैं? इसलिए स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से क्या दिया, देखो मैं धर्मराज हूं लेकिन ये जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हो गया, राज्य गया, भाई गए, फिर द्रौपदी के वस्त्र हरना देखना पड़ा, फिर 13 साल तक हमें जंगल में भटकना पड़ा, उसको बाद में फिर हमें विराट राज्य में हमें दासत्व करना पड़ा। इसलिए मैं कहां धर्मराज हो करके कितने नीचे तक गिर गया। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति जीवन में जुआ नहीं खेलनी चाहिए। ये धर्म का पहला चरण सत्य इसमें नष्ट हो जाता है। दूसरा है पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु मत लिया करो, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। पहले मैंने बताया था ना, जो शराब पीते हैं उनको 3 लाभ है। कितना लाभ है बोलो, कितना लाभ है, क्या क्या है? पहला नंबर में वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं बनेगा, दूसरे नंबर में उसकी घर में चोरी नहीं होगी, और तीसरे नंबर में कुत्ते उसका दोस्त बनेंगे। बोले भैया मतलब क्या है? बोले ये बूढ़ा कब होगा? जिंदा हो तभी तो बूढ़ा होगा ना, वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। मेरे पास में एक माता जी आई थी माला लेने के लिए, देखा उसको 2 बच्चे हैं, वो 30 साल की माता जी 2 बच्चे लेकर के आई। मैंने पूछा ये बच्चों का पिताजी कहाँ? बोले मर गए। बोले मैंने कहा कैसे? बोले वो पीते थे। क्या करते थे? पीते थे। बाद में पता चला सारे लीवर फिर खत्म हो गया, बचने का कोई चांस नहीं था। इसलिए मैं रसिया प्रचार करने जाता हूँ, वहां देखता हूँ, अभी इसको बाद में मैं रसिया जाऊंगा, वहां देखता हूँ ज्यादा लड़की लड़की है, पुरुष बहुत कम देखता हूँ। मैंने कहा भैया इतने पुरुष लोग क्यों इतना नहीं, वो इतने लड़की क्यों है? बोले यहाँ के लोग ज्यादा पीते हैं, वहां पी पी करके आधा उम्र में खत्म हो जाते हैं, पुरुषत्व नष्ट हो जाती है, इसलिए ज्यादा बेटी 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 जन्म ले रहे हैं। इसलिए अगर हम दीर्घायु बनना चाहते हैं भैया ये शराब से दूर रहे। दूसरा नंबर में घर में चोरी नहीं होगा। बोले भैया चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी ना, वो तो जो कुछ हो गहना गांठी बेच बाज कर पी पा कर खत्म कर देगा, फिर चोरी कहां से होगी? तीसरा नंबर है उसका कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा और कुत्ते आकर मुंह चाट कर चले जाएंगे। इसलिए देखो अभी ये ऐसे युग आ गया, देखो ये अभी ऐसे युग आ गया है जैसे शादी विवाह में बच्चे का बर्थडे में अगर इनको शराब नहीं पिलाओ ना, भले ये कौन सा शादी है भैया, ये कौन सा बच्चे का बर्थडे है जिसमें तुमने मांस और तुमने शराब नहीं पिलाया? देखो ये संतों का कहना, क्या संतों का कहना? बोले जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतलों तुड़वाया और इतने जानवर को तुमने मरवाया, वो बच्चे का कभी कल्याण होगा? वो संत कहते हैं अगर 7 साल उम्र का होगा ना, उसी समय वो 50 साल को उतर कर आ जाएगा, क्योंकि जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म करवा रहे हो। इसलिए भले ही यार दोस्त नहीं आए लेकिन कर तो अच्छी चीज करो, भगवान के भोग लगाओ, भगवान का कीर्तन को माध्यम से करो, ठाकुर जी की कीर्तन के माध्यम से कोई भी काम करोगे ना, कितना मंगल भवन अमंगल हरि। प्रभु जी सामने कोई काम मत करो, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी अभी सामने कोई खड़े मत हो, प्रभु जी अभी सामने कोई खड़े मत हो। अब 5 मिनट ये कथा की सारांश में भूल रहा हूं, इतना चीज को लेने के लिए कोशिश करो, इतना चीज को ग्रहण करने के लिए कोशिश करो, इसलिए 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, इसके बाद में सब कुछ करना। इसलिए किसी तरह का कोई नस्ली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ठीक है? इसलिए
और जो देखो और एक चीज है, ये चाय भी नहीं पीनी चाहिए, ये चाय भी नस्ली चीज। आप बोलोगे भैया चाय में क्या दोष है, ये चाय तो पत्ता, बोले चाय पत्ते में कोई दोष नहीं, लेकिन उसमें के निकोटीन कफिन डालते हैं। देखना जो व्यक्ति शराब पीते हैं, शराब पीने का समय आ जाए, अगर कोई शराब नहीं पिएगा ना वो बेचैन से हो जाता है। जो लोग चाय पीते हो देखना, चाय पीने का समय हो जाए आप चाय मत पियो, क्या होता है बोलो, आप लोग बोलो क्या होता है, अगर चाय मत पियोगे तो क्या होगा बोलो, सर दर्द होता है ना, क्योंकि उसने कफीर निकोटीन डाला हुआ। देखो ध्यान देकर सुनो, ये अंग्रेजी लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए, जो बड़े बूढ़ों को पूछ लो, ये लोग खुद चाय बना करके पिलाया करते थे। वो कहते थे जो एक कप चाय पिएगा उसको एक रुपया मिलेगा। हमने सुना क्या, एक कप चाय उसी समय एक रुपया की कीमत था, लेकिन देखो उन्होंने कैसे अपना बिजनेस को चलाया, अपना बिजनेस कैसे कर दिया उन्होंने, हमें ठग करके। हमने तो एक रुपया लोभ से एक कप चाय पी लिया, कुछ दिन बाद में बोले नहीं अभी केवल आपको 50 पैसा मिलेगा, बोले दो। कुछ दिन बाद बोले 50 पैसा नहीं 25 पैसा मिलेगा, बोले दो। कुछ दिन बाद में बोले कोई पैसा नहीं मिलेगा, पी पी करके हमारे आदत बन गई, बोले फ्री फ्री में, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा दो, नशा चढ़ गई ना, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा दो, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 1 रुपया दो, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 2 रुपया, बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 5 रुपया, बोले दो। अभी कितना रुपया हो गया बोलो। इतनी सी चाह हमें पिलाए, ठग करके हमें 10 रुपया लिए और हमें अपना बिजनेस चला दिया। हम इतने बेवकूफ बन गए, कहते वाह चाय पी रहे हैं, हमारा क्या स्टाइल, हम चाय पी रहे हैं। नहीं, हम कहते हैं सवेरे इतने चाय पी लो बस, दोपहर तो कोई चिंता नहीं। आप बताओ इतनी से चाय से कहीं पेट भरता है? हमने चाय नहीं पी, हमने जहर पिया, बीस को हमने पान किया है और उनका बिजनेस चला रहे हैं, अंग्रेजों का बिजनेस चला रहे हैं हम लोग। इसलिए 10 रुपया में एक कप आपको दूध मिलेगा, एक गिलास दूध मिलेगा, लेकिन वो दूध नहीं पीकर हम चाय पीकर उनका बिजनेस बना दिया। इसलिए इसमें नस्ली वस्तु है, इसलिए भक्ति करने के लिए नस्ली वस्तु भी अच्छी चीज नहीं। कोशिश करो जैसे गोकुल टी, हर्बल टी मिलता है, जो जड़ी बूटी है जिसको खाने से हेल्थ के लिए अच्छा है। आप 10 रुपया में घर में देखो, 10 रुपया में पूरा पेट भर कर भोजन कर लोगे, रोटी सब्जी दाल मिल जाएगी। नहीं, घर में अगर 10 रुपया देखोगे हमारी भोजन हो जाएगी। भैया हम 10 रुपया क्यों बर्बाद करें, उनका बिजनेस अंग्रेजियों का क्यों चलाए, चलाए तो अपना भारत जो गैया की दूध को पी करके शरीर को हेल्थ को अच्छे रखना, ठीक है ना। कोशिश करना अगर ये धीरे धीरे जैसी चीज छूट जाए। तीसरे चीज है स्त्रियम। स्त्रियम का मतलब होता है स्त्रियों के ऊपर में भी कली का निवास है। बोले भैया कौन सा स्त्रियों के ऊपर में कली का निवास, बोले जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष संग करते हैं, संसार करो, शादी सुधा करके अपना धर्म पत्नी को साथ में धर्म पूर्व का अपना घर गृहस्थी जमाओ। ऐसे नहीं शादी नहीं किया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर घूमो, नहीं, शास्त्र इस चीज को स्वीकार कभी नहीं किया है, तभी ये सब डाइवोर्स होता है। शादी से पहले जो लड़की इतने लड़कों को साथ में घूमेगी, जो लड़का इतने लड़की को साथ में घूमेगी, वो कभी घर गृहस्थी बैठाएगा, तभी तो इतना डाइवोर्स हो रहा है भारत में। इसलिए अब लोग बचने के लिए कोशिश करना, शादी शुदा करके संसार में पति पत्नी धर्म पूर्व का अपना घर गृहस्थ को निभाओ, इसको करने से पवित्रता नष्ट हो जाती। चौथा चीज है जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब है मांस मछली अंडा और ये प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, इसका नाम है मांस। मांस मतलब क्या है, ये संस्कृत शब्द है, मान मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी हम जिसको खा रहे हैं बाद में जो खाएगा, इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट। मीट मतलब क्या, मी ईट बा ईट मी, जिसको तुम खा रहे हो बाद में तुमको जो फेर खाएगा। किसी भाषा में भी देख लो एक ही शब्द आता है, अभी जिसको हम खा रहे हैं बाद में वही फेर हमें बनो खाने वाले। इसलिए कोशिश करना जैसे ये मांस आदि ग्रहण नहीं करनी चाहिए, राक्षस भोजन है, हाँ ये राक्षस भोजन है, ये हमारी भोजन नहीं। हाँ देखो अंडा, अभी ये अंडा बड़ी गड़बड़ी कर रहा है, इसलिए ये अंडा भी नहीं खानी चाहिए।
आप लोग महाभारत सुने होंगे, जब श्री दुर्योधन 100 भाई मर गए, एक दिन एक गांधारी और उसे धृतराष्ट्र कृष्ण को पास में आए, बोले कृष्ण ये बताओ मेरे को ये 100 बच्चों का मृत्यु क्यों देखना पड़ा। कृष्ण उसकी पूर्व जन्म की कथा सुनाई, बोले एक समय तुमने जंगल में भ्रमण करने गया, बड़ी तेज तुमको भूख लगी, एक पेड़ को नीचे बैठ गया, इतने में देखा वो पेड़ के ऊपर में चिड़िया की कुछ चहचहाट आ रहा है, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़े, देखा सचमुच से उनके घोंसला में ये सब अंडे दिए थे और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है, तुमने 100 अंडे को खाया तुमने, इसलिए इसी जीवन में 100 बच्चों को तुम्हें मृत्यु देखना पड़ा, ये कृष्ण स्वयं कहते हैं। इसलिए इस चीज से कोशिश करना दूर रहने के लिए। और चौथा चीज है प्याज लहसुन, ये प्याज लहसुन भी हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। देखना जैसे नवरात्रि आता है ना, आप लोग करते हो नवरात्रि, कौन कौन नवरात्रि रखते हो हाथ उठाओ, तो अब 9 दिन तक कोई खाते हो प्याज लहसुन? कोई नहीं खाते। बोले क्यों नहीं खाते हो? माता जी की पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो फिर खा करके नाराज कर दो मेरे माँ? इसलिए माँ को जो चीज ऐसे नहीं 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा बाद में मुर्गा मुर्गा है, 9 दिन तक दुर्गा बाद में जो है मुर्गा, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ये प्याज लहसुन पहले मैंने बताया था, पहले ऋषि लोग अपना आश्रम में गैया पालते थे, लेकिन जब कोई गैया बूढ़ी हो जाती थी उसको मारने नहीं देते, क्यों? गैया माँ होता है। एक दिन लेकिन ऋषि के पास में ऐसे मंत्र शक्ति थी, 2 बार जब मंत्र पढ़ते थे बूढ़ी गैया जवानी बनकर के प्रकट होती थी। एक समय कोई गैया बूढ़ी हो गई, उन्होंने यज्ञ के अनुष्ठान की, गैया को बलिदान दिया, सबको हाथ में मांस दे दिया। एक व्यक्ति मांस दे करके खाने की इच्छा हो गई, उसने उसको छुपा दी, बोले जब सबके सब चले जाएंगे फिर मैं खा जाऊंगा। फिर उन्होंने आहुति तो सबके सब डाले लेकिन इसने डाला ही नहीं। जब ऋषि ने मंत्र पढ़े गैया जवानी बन करके वहां प्रकट हुई। जब जवानी बन करके प्रकट हुई देखा उसकी पूरा अंग तो भरा पड़ा हुआ लेकिन एक अंग में घाव बना हुआ। ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा थे, इन्होंने ध्यान लगाए ऐसे क्यों हुआ, देखा किसने मांस को छुपाया। फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जहां पर ये मांस को गाड़ दिया जैसे मांस लाल रंग के वहां पर प्याज भी लाल रंग का होगा, जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है प्याज से बदबू आएगी। अब देखना प्याज यहाँ पर काटो पता चलेगा कहीं प्याज कट रही है, घर में छोंक दो देना घर घर में बदबू फैल जाती है, आंखों से आंसू आ जाती है। इसलिए कोई भी ठाकुर को सेवा में ये चीज नहीं लगती है। जहां पर उनकी हड्डी गाड़ दिए लहसुन की पौधा हुई, जहां पर खून की बूंद गिरी वहां पर मसूर डाल दी। इसलिए आप लोग देख लो आपकी घर में जो खाते हो जो नहीं खाते हो तो अच्छी बात। हमसे पृथ्वी जी की क्या नाम पृथ्वी, हाँ इनके घर में हम रुके हैं, कहते हमारे घर में तो ये चीज कभी नहीं आती, हमारा परिवार पूरा परिवार में तीनों के तीनों भाई कोई ये सब चीज नहीं खाते हैं, क्यों? हमारे वंश में कोई नहीं खाते थे। पहले आप देख लो एक दो पीढ़ी पहले हमारी किसी हिंदू घर में ये चीज नहीं प्रवेश करता था, क्योंकि हर हिंदू लोग ठाकुर को सेवा पूजा करते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे, इसलिए किसी घर में नहीं बनता था। फिर आया कहाँ से ये मांस मछली अंडा प्याज, ये मुगल लोगों ने लाए, ये सब चीज ये मुगल लोगों ने लाए हैं, ला करके हमें सब मुगल बना दिया, सबके सब ठाकुर का पूजा पाठ सबके सब चुरा करके हमें मुगल बना दिया। इसलिए अगर ये प्याज लहसुन डालेंगे तो हम लोग ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता है। इसलिए अब लोग कोशिश करना जैसे धीरे 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 ये चीज छूट जाए, ये तामस की आहार है। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, हम जैसे वस्तु खाएंगे ऐसे ही हमारी मन भी ऐसे बनेगा। अगर सात्विक आहार करेंगे हमारा मन अच्छा बनेगा, फिर हमको क्रोध काम लोभ ये सब चीज नहीं आएगी, मन को हमें शांति मिलेगी। और जो चीज भगवान को भोग लगाना क्या करना, ठाकुर जी को घर में जो कुछ रसोई बनता है शुद्ध रूप में बनाओ। घर में कोशिश करना जैसे किचन है रसोई खाना है, जैसे वहां पर कोई जूता पहन करके जैसे मत जाओ, वो जूता अच्छी चीज नहीं है। अगर ठंडा है कपड़े का जूता बना करके उसके अंदर में जाओ, क्योंकि घर में जितने पवित्रता रखोगे ना, जैसे रोसी घर में वही खा रहे हो वहीं पर झूठा बूटा पड़ा हुआ, ऐसे नहीं होनी चाहिए।
फिर घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। घर में तभी लक्ष्मी आएगी जितने हम सदाचार, जितने शुद्ध रूप में हम लोग रहन सहन करेंगे, उसी घर में ही माँ लक्ष्मी की कृपा तभी माँ लक्ष्मी की होती है, जितने हम अपना साफ सुथरा रखेंगे। इसलिए कोशिश करना घर में जो कुछ जो खाना बनती है सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगे। क्या लगे? ठाकुर जी को सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगनी चाहिए। देखो ये गीता का श्लोक है, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकर्णा। जो व्यक्ति अपना लिए खाना बनाते हैं और मुझे भोग नहीं लगाते हैं वो क्या करते हैं? बोले भुंजन्ते तु अघम, कहते वो पाप भोजन करते हैं। लेकिन जो लोग मेरे को भोग लगा कर खाना खाते हैं, कहते अमृत है, वो अमृत बन जाती है। देखो आप लोग ने सुदामा जी का नाम सुने हो? कौन से सुदामा जी का नाम सुने हो? हाथ उठाओ तो सुदामा जी का। अभी सुदामा जी आने वाले। देखो ये सुदामा जी पहले दरिद्र क्यों बने, फिर बाद में ये धनी क्यों बने, ये चीज को समझो। एक समय कृष्णा सुदामा जंगल में जा रहे थे, इनकी गुरु माता ने सुदामा जी को कुछ चाना दिया था, बोले देख सुदामा कृष्ण को दे करके खाइयो। लेकिन सुदामा ने क्या किया, आप लोग देखे होंगे, छुपा छुपा करके ठाकुर जी खाए। खाए तो इतने दरिद्र इतने दुखी बने जीवन में। लेकिन जब उनकी पत्नी को पता चला इनका बचपन का दोस्त कृष्ण, बोले जाओ ठाकुर का दर्शन करके आओ। बोले खाली हाथ में नहीं जाने चाहिए, दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए। ठाकुर जी एक मुठ्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुठ्ठी खाए, जब तीसरी मुठ्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ी, बोले नहीं आप दो मुठ्ठी खा लिया उसको घर में सारे राज ईश्वर जो पहुंच गए, अगर आप तीसरी मुठ्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी हूँ उसको घर में दासी बन जाऊंगी प्रभु, और मत खाया करो। जब उन्होंने घर में आए सोने के महल, हजार हजार दास दासी सेवा कर रहे थे, उनकी पत्नी इतने सुंदरी राजकुमारी बनी, सुदामा जी को आरती उतारने के लिए आए, सुदामा जी पीछे हट रहे थे, बोले ये राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है? इतने में सुशीला कहती है आप पीछे क्यों हट रहे? बोले तू है कौन? बोले मैं आपका वही सुशीला। बोले ये सब क्या है? बोले ठाकुर जी के लिए दो मुठ्ठी चिड़वा लकड़ी गए थे ना, ठाकुर जी खाए तो राता रात राज ईश्वर दे दिया। देखो अगर घर में ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा। अब स्वयं देखना जितने सुंदर ठाकुर को सेवा करोगे, जितने सुंदर सजाओगे, रोज ठाकुर को स्नान कराओ, श्रृंगार कराओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी को भोग लगाओ, जितने सुंदर ठाकुर को सेवा करोगे ना देखना घर में उतना ही आनंद आएगा, घर में उतना शांति सुख आएगा। उदाहरण में देते हैं, जैसे आप अपना शरीर को सजाओ सुंदर करके और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना इस शरीर को जैसे सजाओगे परछाई भी वैसे सज जाएगी। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, उसी तरह जब कृष्ण को भगवान को घर में जितने सुंदर सजाओगे, जितने ठाकुर को भोग लगाओगे, रोज स्नान कराओ, कपड़ा पहनाओ, सब कुछ ठाकुर को करो, देखना तुम्हारी घर में खुशियाँ आ जाएगी। अगर ठाकुर को भोग नहीं लगता, ठाकुर को सेवा नहीं करते, करोड़ रुपया भी तुम्हारे घर में आए घर में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी है? लक्ष्मी किसकी है? लक्ष्मी नारायण की। लक्ष्मी घर में तभी शांति सुख देगी अगर वो लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में लग रही है। अगर सेवा में नहीं लगेगी ना, भाई भाई में लड़ाई लगा देगी, कोर्ट मामला लगा देगी, इतने कठिन व्याधि दे देगी, सारे पैसा बह जाएगा तुम्हारे घर में, एक पैसा नहीं रुकेगी। क्यों? लक्ष्मी घर में नाराज है। ये चीज को याद रखो, सब चीज लक्ष्मी लक्ष्मी ठाकुर जी की है, ठाकुर को सेवा में लगाओ तभी घर में शांति सुख आएगी। इसलिए एक चीज करो, घर में जो कुछ खाना बने प्याज लहसुन के बगैर शुद्ध रूप में बनाओ, भगवान को अच्छे तरह से भोग लगा कर खाओ, भगवान के प्रसाद खाएंगे ना आप स्वयं देख लोगे। ठाकुर को भोग लगा करके बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ, आप खाओ ना। इस देखो ये गीता का श्लोक है, बोले प्रसाद है सर्व दुखानां हानि रस उपजायते हैं अर्जुन। जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं उसका जीवन का सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है, ये कृष्ण स्वयं कहते हैं। ठीक है ना? इतना चीज को जीवन में क्या करना, ग्रहण करनी चाहिए। और कहते आप लोग एकादशी व्रत जरूर रखो। एकादशी व्रत कौन कौन रखते हैं?
हाथ उठाओ तो कौन कौन जोर से हाथ उठाओ, कौन कौन एकादशी व्रत रखते हो। देखो ये एकादशी व्रत भागवत में और कोई बार व्रत का नाम नहीं आता है, केवल भागवत में एकादशी की कथा थी। क्योंकि जो एकादशी व्रत है ये भगवान बांके बिहारी का व्रत है। जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार अलग अलग व्रत रखते होंगे, लेकिन ये अलग अलग देवा देवियों के लिए। लेकिन जो एकादशी व्रत है ये भगवान विष्णु भगवान राम अरे भगवान श्री बांके बिहारी का व्रत श्री एकादशी व्रत है। जगत में तो 33 करोड़ देवता, भैया कितने को मनाओगे? एक को मनाओ दूसरे मुंह फुला कर बैठेगा। लेकिन ये बांके बिहारी ऐसे के देवता है, भगवान विराट रूप दिखाए ना अर्जुन, देख मैं कौन हूँ, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। जब ठाकुर जी के लिए कोई व्रत करो क्या होता है, जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर में ठाकुर का कृपा हो जाए बांके बिहारी की, उसके ऊपर में सारे देवा देवी अपने आप उसके ऊपर में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो एकादशी व्रत को बताया ये कल्पतरु व्रत, बोले कल्पतरु व्रत मतलब क्या, बोले एकादशी व्रत करके आप जो कुछ मांगोगे ना आप सो कुछ मिलेगा। अगर किसको घर में एकादशी व्रत की कथा होगी पढ़कर देखना, एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब जिसके संतान नहीं, पुत्र जिनकी नहीं वो एकादशी व्रत कर घर में पुत्र जन्म लेंगे। एक एकादशी का नाम अर्णदा, वो व्रत रखने से घर में अर्ण की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जो एकादशी व्रत करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम विजय, जिसको करने से सर्वत्र तुम्हारी विजय होगी। एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी, जिसको करने से जीवन का सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। आप पढ़ करके देखना किसकी राज्य चली गई थी, किसी घर में दुख कष्ट था, एकादशी व्रत करते सब दुख दूर हो जाती है। आप स्वयं पढ़ कर देख लो। देखो जैसे कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, साल साल से पड़ा हुआ, बड़े दुख कष्ट उठा रहा है, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, बोले भैया इनकी सदगति कैसे होगी, आप देखना वो क्या बोलता है। वो क्या बोलेगा, भैया एकादशी व्रत करके इसकी फल इसको प्रदान करो। देखो मैं अपना अनुभूति की बात बताता हूँ, मैं विदेश जाता हूँ प्रचार करने के लिए। एक समय में यूरोप गया था, यूरोप गया था तो वहां पर एक व्यक्ति हॉस्पिटल में 2 साल से पड़ा हुआ, एकदम बिस्तरा में शरीर लग गया, शरीर में केवल हड्डी हड्डी, गले में प्राण अटक गया, प्राण नहीं जा रहा है, और पानी जैसे पैसा खर्च हो रहा है विदेश में। जब उनको पता चला भारत से कोई साधु आए, तब उन्होंने आए मेरे को बुला करके हॉस्पिटल में ले गए, उनका पूरा परिवार वाले थे। बोले बाबा हमारे पिताजी 2 साल से हॉस्पिटल में पड़े हुए, इनकी सदगति नहीं हो रही है, बड़ी दुख पा रहे हैं, कोई उपाय है जो जल्दी जल्दी चले जाए। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग एकादशी व्रत करके इनको फल प्रदान करो। बोले बाबा अभी 10 दिन बाकी एकादशी है, इनका दुख सहा नहीं जा रहा। मैंने कहा एक काम करो, मैं सबके हाथ में फूल दिया पानी दिया। बोले संकल्प करो, संकल्प करो पूरा परिवार हम मिल करके एकादशी व्रत करके इनको हम प्रदान करेंगे। जब उन्होंने संकल्प किया ना, है? जब उन्होंने संकल्प करके तब उन्होंने उनको दिया, जो 2 साल से पड़े हुए थे केवल 2 घंटा में उनका शरीर छूट गया। कब छूट गया, केवल 2 घंटा में उनकी शरीर छूट गई। इतने महत्व ये एकादशी व्रत की, इतने महत्व है। इसलिए आप लोग कोशिश करना ये 15 दिन में एक बार ये एकादशी तिथि आती है, ये भगवान बांके बिहारी की व्रत है, इसको करने से घर से शांति सुख घर में आती है। इसलिए ये एकादशी व्रत भागवत में देखो, कुछ कुछ लोग का कहना है भैया एकादशी तो जो विधवाएं करती हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं वही एकादशी करते हैं। भागवत में ये अम्बरीश महाराज की कथा आती है, जिन्होंने ये एकादशी व्रत को ये अम्बरीश महाराज करते थे, जिस एकादशी व्रत को नंद जसोदा, जिस एकादशी व्रत को ये नंद जसोदा भी ये एकादशी व्रत को रखा करते थे। इसलिए ये एकादशी और एक समस्या है, बोले क्या समस्या है, बोले कोई कोई कहते भैया एकादशी व्रत को तो उद्यापना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, एकादशी व्रत को उद्यापना करनी चाहिए? नहीं, हमारी वैष्णव धर्म में एकादशी का उद्यापना का कोई भी बात नहीं है।
जब तक तुम्हारी समर्थ तब तक एकादशी व्रत करो, जब तक तुम्हारी समर्थ नहीं फिर एकादशी व्रत को छोड़ सकते हो। इसलिए इसमें कोई उद्यापन का कोई इसमें बात है ही नहीं। इसलिए समग्र समश्री एकादशी व्रत में जरूर करना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु जी जिनको बैठना बैठा दो, हरे राम। ऊपर में बैठा दो, ऊपर बैठा दो, इधर ला कर बैठा दो, आ जाओ ऊपर बैठा दो, आ जाओ जो मेन व्यक्ति उनको ऊपर ले आओ। हाँ ऊपर लेकर बैठा दो इनको। बोले एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन अभी फिर बैठ जाओ दो चार मिनट, अभी कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी, दो चार मिनट बैठ जाओ सबके साथ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी ऊपर जो बैठना उनको बैठा देता ना, वहां पर खड़े मत करो, ऊपर लाकर बैठा दो। पृथ्वीराज प्रभु जी ऊपर लाकर बैठा दो सबको, ठीक है बैठो कोई बात नहीं, पांच मिनट की कथा सुनो। हरे कृष्णा, सब बैठ, कोई खड़े मत रहो, और पांच मिनट की कथा है, उसके बाद में कृष्ण रुक्मिणी विवाह भर सुदामा चरित्र सुनो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम जय जय श्री राम। हाँ देखो हम लोग ने जो कथा सुनी है, हम लोग ने कितना दिन तक कथा सुनी है, अभी इसको इसका रहस्य समझो। हम ये कथा सात दिन ही क्यों सुने, आठ दिन क्यों नहीं, नौ दिन क्यों नहीं, दस दिन क्यों नहीं, क्यों ये सात दिन? देखो ये कथा को अब साथ में ले चलना, उसको याद कर लेना, हम ये सात दिन ही क्यों कथा सुने। अच्छे तरह से ध्यान लगा कर सुनो। कल एक समय कोई एक संत राज दरबार में पहुंचे राजा से मिलने के लिए। जब उन्होंने प्रभु जी जो जहां पर बैठते हैं उनको बैठने दो। पृथ्वीराज प्रभु जी देखो जो जमीन में बैठते ना वो जमींदार है, जो चौक में बैठते हो चौकीदार है। जब हनुमान जी कथा सुनते हैं कहां पर बैठ करके, बोलो कहां पर बैठ करके? हनुमान जैसे बड़े कोई हो सकते हैं दुनिया में? बताओ हनुमान जैसे कोई हो सकते हैं? वो सबसे पीछे बैठ करके हाथ जोड़कर कथा सुनते हैं। इसलिए जो कथा में बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि लोग आकर भी कथा सुनते हैं, हैं? आप केवल हम ही नहीं कथा सुन रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड का देवता भी कथा सुनते हैं। इसलिए जिसको जहां पर बैठना वहां पर बैठे कथा सुनो, और केवल पांच मिनट की कथा होगी, ध्यान देकर सुनाओ। अभी एक संत किसी राजा से मिलने के लिए आए, इतने में वहां पर दरबान था। बोले अंदर में राजा क्या है? बोले हाँ। बोले राजा को बोलो कोई संत मिलने के लिए आए, कोई जरूरी काम है, एक मिनट बात करना चाहते हैं। राजा ने सोचा भैया संत क्यों आए, होगा कुछ भिक्षा मांगने के लिए आए होंगे। तो उन्होंने 101 रुपया दे दिया, बोले संत को दे देना। संत ने कहा मैंने पैसा लेने नहीं, कोई विशेष जरूरी काम लेकर के आया, केवल एक मिनट राजा से बात करना चाहता हूँ। राजा सोचा बाबा के साथ मन नहीं भरा 100 रुपया में, तो उन्होंने 5 रुपया निकाल करके दे दिया। तभी यह संत लिए नहीं, बोले नहीं एक मिनट में बात करना चाहता हूँ। इतने में उन्होंने 1101 रुपया निकाल करके दिया, तभी संत लिए नहीं। राजा ने बोले बाबा को बोल दो, राजा राज कार्य में बहुत बिजी है, इनको पास में कोई समय नहीं संतों से मिलने के लिए। अभी संत दुखी होकर रानी को पास में गए, वहां पर कोई एक दासी थी। बोले अंदर में महारानी क्या है? बोले है। बोले उनको बोलो कोई एक संत कोई जरूरी काम लेकर के आए, केवल एक मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। रानी सुनते तो बड़ी खुश हो गई, बोले संतों को अंदर में बुला कर लाओ। आसन दे करके बैठा है, प्रणाम किया, बोले बाबा बताओ हम क्या सेवा करना चाहते हैं। बोले महारानी मैं किसी जरूरी काम लेकर के आया था राजा से मिलने के लिए, लेकिन राजा मिले ही नहीं। बोले मुझे ही बताओ, मैं ही सेवा कर दूंगी। बोले महारानी आप ध्यान देकर के बात को सुनो, मैं भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से मैंने देखा है कि जो राजा है ना ये 7 दिनों में मरने वाले। कितने दिनों में मरने वाले? कितने दिनों में? 7 दिनों में ये मरने वाले। रानी तो सुनकर घबरा गई, क्योंकि अभी अभी रानी की शादी हुई,
अभी अभी राजा राज सिंहासन पर बैठे। अगर कोई बोल दे राजा 7 दिन में मरने वाले, बताओ रानी को क्या स्थिति होगी? रानी तो दुखी दुखी हो गई, बोले बाबा ये क्या सत्य है? बोले ये ध्रुव सत्य है, मैं अपना दिव्य दृष्टि से मैंने देखा है, ये कभी झूठा नहीं होगा। बाबा तो बोल कर चले गए। इतने में रानी इतना घबरा गई, उन्होंने एक सेवक को बोले जल्दी जल्दी राजा को खबर दो, अभी मिलना चाहते हैं, राजा रानी से मिलने चाहते हैं, राजा को बुलाओ, अभी अभी रानी मिलना चाहती है। इतना बोलते ही इसलिए राजा सुनते ही भागते भागते आए। देखो अभी तक एक संत आए, गिड़गिड़ाते हुए चले गए, राजा के पास में कोई समय नहीं हुआ, लेकिन जब सुना रानी बुला रही ना, सारे काम को वहीं पर बंद करके भागते भागते आए। राजा बोले रानी क्या ऐसे जरूरी पड़ गई, अभी अभी मैं गया था ऑफिस में, इतने जल्दी तुमने क्यों बुलाई? बोले महाराज आपके पास में कोई संत मिलने के लिए गए थे। बोले हाँ। बोले आप उनसे मिले हो? बोले मैं राज कार्य में बड़ा बिजी था। बोले बाप महाराज जब घर में संत आए, बोले संत रूप में ठाकुर जी आते हैं, बड़े भाग्य से कई संतों की कृपा हुई है, और आप इतने बिजी थे राजा से मिल नहीं पाए, और मैं बुलाते ही आप भागते भागते आए। बोले बताओ ना बात किया? बोले बात तो बड़े गंभीर बात है। बोले क्या बात है? बोले बाबा ने बताए अपना दिव्य दृष्टि से देखा जो आप हो 7 दिनों में मरने वाला। इतना सुनते ही राजा को घबरा गए, बोले क्या बोल रहे हो? बोले हाँ संतो, बोले मैं अपना भजन करते करते दिव्य दृष्टि से देखा, ये झूठा नहीं सच है। संतो बोले बाबा गए कहाँ? बोले अभी अभी चले गए, किसको भेज करके? बोले जल्दी जल्दी बाबा को बुला करके लाओ। जब बाबा को बुला करके लाए, चरण में गिरे, बोले बाबा आपने ये बताए मैं 7 दिनों में मरने वाला हूँ। बोले हाँ। बोले क्या सच है? बोले ध्रुव सत्य है, आप मरने वाले हो। राजा तो घबराए, बोले घबराने का कोई बात नहीं, आपने बहुत दान पुण्य किए हो इसलिए आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोले फिर? बोले वहां पर सब कुछ सुविधा है, लेकिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर हैं, लेकिन वहां जब आप विश्राम करोगे ना, ये मच्छर आपको काटते रहेंगे, सोने नहीं देंगे। बोले फिर? बोले चिंता मत करो, वहां पर मच्छर दान का व्यवस्था भी है। बोले फिर? बोले एक चीज की कमी है, वो मच्छर दान की कोने में एक छोटा सा छेद है। आप लोग ध्यान देकर सुनो ये कथा के सार, प्रभु जी कथा सुनो, इतना कथा सार है, अगर इतना ले पाओगे तो जीवन धन्य होगा कथा करने का। ध्यान देकर सुनो 2 मिनट। बोले वहां पर केवल एक छेद है कोने में। बोले फेर? बोले फेर क्या? जब आप मरोगे यहां से एक सुई धागा साथ में ले चलना, उसको सिलाई कर दोगे ना, बात चैन की नींद आएगी। बोले महाराज जब मरेंगे यहीं तो हमें जला दिया जाएगा, फिर सुई धागा कैसे ले जाएंगे? बोले आपको एक सुई धागा नहीं ले जा सकते। बोले कैसे ले जाएंगे? यहीं तो जला देंगे यहीं पर। बोले महाराज आपको मैं इतनी सी बात समझाना चाह रहा था, जिस राज कार्य में आप इतने बिजी हो, शरीर ने छूटते समय एक सुई धागा भी आपको साथ में जाने वाले नहीं। संत ने पूछा ये बताओ जब शरीर छूटता है, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलते हैं राम नाम सत्य है, और गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, और सब कोई बात झूठा है। बोले इसका मतलब क्या है? बोले जितने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया वही सच्चे सत्य है, और जगत में सब कुछ झूठा है। बोले महाराज ये बताओ जब जगत में सब कुछ झूठा है, राम और कृष्ण का नाम सत्य है, आप इसके लिए कितना समय दे रहे हो, और जो झूठे को पीछे आप कितने समय दे रहे हो? ये झूठे को पीछे कितने समय दे रहे हो और सच्चा को पीछे कितने समय दे रहे हो? महाराज अब ध्यान देकर सुनो, इसमें एक रहस्य है, आप लोगों ने सुना, इसमें एक रहस्य है। वो संत ने ये बताए थे कितना दिन में मरोगे, कितना दिनों में? 7 दिन में। बोले महाराज दिन 7 ही है, दिन कभी 8 नहीं होता है। इसमें एक कौशल है, इसमें एक सूत्र है, मैंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में तुम मर जाओगे, क्या बताया था? 7 दिनों में मरोगे, दिन 7 दिन कभी 8 नहीं होता है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, जब हम मरेंगे 7 दिनों में एक ना एक दिन हम मरेंगे, लेकिन जब हम मरेंगे मैंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओगे, 7 दिन अंदर में मरोगे, लेकिन जब 7 दिन को अंदर में मरोगे
यहाँ से एक सुई धागा भी तुम्हारे साथ में जाने वाले नहीं, केवल तुम्हारे साथ में जितने भगवान के नाम रूपी धन को तुमने लूटे, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दी मरे सदगुरु कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो हैं, कहते जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सवई खुबायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब मृतरथ में देखो तो वो संत ने वो राजा को ऐसे के माला पकड़ा, बोले महाराज जब हम सवेरे उठ करके नहा धो करके ये भगवान की थोड़ा प्रभु का भजन करते हुए जाना, कल मैंने बता रहा था ना चैतन्य महाप्रभु को जब भक्तों ने निमंत्रण दिया हमारे घर में भोजन है, महाप्रभु क्या बोले, बोले सबको घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ, बोले किसको घर में करते हो, बोले जो लखपति है। ऐसे 5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। भक्तों लोग बोले प्रभु हमारे घर में 100 भी स्वर्ण मोहर नहीं, 10 भी नहीं, आप कह रहे हो जो लखपति उसको घर में खाना खाएंगे क्या हमारे घर में भजन नहीं करेंगे। फिर भगवान समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन है, बोले असली लखपति वह है जो 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं, वही असली लखपति। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कांगाल हुए। इसलिए असली जो धन है जो भगवान के नाम धन में, बोले कौन कौन हुए, बोले तुलसी मीरा और नरसिंहा। देखो तुलसीदास कब आए, हनुमान जी कब आए, मीराबाई कब आई, ध्रुव प्रहलाद कब आए, करोड़ों साल पहले आए ध्रुव प्रहलाद। अभी देखो इनका जगत में नाम इनकी अमर हो गया, जगत में इनका नाम अमर हो गया, लेकिन ये जगत में बड़े से बड़े पोस्ट पर जो है 2 दिन बाद, जैसे मनमोहन सिंह था प्राइम मिनिस्टर था ना, अभी दुनिया में कोई पूछ रहे हैं उसको, कोई पूछ रहा है दुनिया में उसको, कोई जगत में बड़े से बड़े पोस्ट है 2 दिन बाद में इनका नाम निशान नहीं रहता है, हैं बड़े से बड़े हीरोइन जैसे श्रीदेवी थी जब तक काम करते तब तक नाम उनकी उजाला होता है, 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइनी अभी दुनिया में कोई नाम ले रहे क्या है, कोई नहीं नाम ले रहे। लेकिन हनुमान जी को देखो, ध्रुव प्रहलाद जी को देखो, भैया हीरो हीरोइनी बनना तो क्या बन करके बनो, ठाकुर जी के भक्त बन कर एक बार बन जाओ, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी नाम उजाला रहेगा तब तक। इसलिए उन्होंने उनको ये माला दिया। मैंने एक बार ये आपको समझाया था ये लखपति कैसे बन गए, कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन टीवी में आता था ना कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पर भगवान कहते भैया कौन बनेगा लखपति। आप लोग इतना चीज समझ लो, यही भागवत का सार है। जैसे ये माला है इसमें 108 मोती है, जैसे ये माला जो ई अंगुल को, आप लोग मोती का नाम सुने हो ना, आप जानते हो दो दो माला रोज करता है, ये रोज गीता पढ़ता है मोदी, हमारे इसको ने गोपाल कृष्ण महाराज से उन्होंने माला ली है कि मोदी स्वयं दो दो माला रोज ये माला करता है, आपको पता नहीं होगा, ये हमें पता है। किस देश में जाता है वो गीता गिफ्ट देता है, सर भगवत गीता सबको देता है, इसलिए रोज वो स्वयं गीता पढ़ता है। किसने महात्मा गांधी को पूछा भैया ये देश को तुमने चलाया कैसे, इतने बुद्धि कैसे, बोले मैंने गीता से मिला है, ये गीता मैंने रोज पढ़ता हूँ, गीता में ऐसे कोई समस्या नहीं जो समस्या का वह हल नहीं कर सकते, ये ऐसे दिव्य ग्रंथ हमारे भारत में रामायण गीता भागवत आदि। लेकिन दुख की बात है ये ग्रंथ में किसके विश्वास नहीं, किसको बोलो गीता का एक श्लोक बोलो, पूछो किसी हीरो का नाम क्या है, सभी याद है। मैं कल बता रहा था ना किसी मुसलमान का 5 साल बच्चे को मैंने पूछा तेरे को कुरान आती है, छाती फुला करके बोला है कुरान आती है, बोले बोला तो झटाझट कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल से ये तुमको ये कुरान की पढ़ाई जाता है, बोले 2 साल, ये कंपलसरी है हमारे धर्म में, आप देखना शुक्रवार दिन रोड बंद कर देते हैं, हम किसी बच्चे को कहीं मंदिर ले जाते हैं, कहीं बोलते हो कि गीता पढ़ो, हमारे गुरु जी को किसी ने कहा बच्चा बात नहीं सुनता, बोले रामायण पढ़ते हो, बच्चों को रामायण पढ़ाया नहीं, बोले बच्चे तुम्हारी बात कहाँ सुनेंगे, रामायण पढ़ते रामायण पढ़ाते तो। मैं कल बता रहा था ना किसी ओल्ड हाउस में गए फरीदाबाद में, देखा जिसकी 5 साल की गज की कोठी 1,000 को थी, वो बैठे हुए ओल्ड ओल्ड
हाउस में, मैंने कहा भैया ओल्ड हाउस में क्यों बैठेंगे, बोले बाबा की गलती हमारे हो गई, बोले क्या है, देखो स्वयं करता, बच्चों को मैंने गीता रामायण नहीं पढ़ा, बोले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इतने नास्तिक बने हमारी बात नहीं सुनते थे, लास्ट में इतने झगड़ा किया घर छोड़ दिया, ओल्ड हाउस में बैठेंगे। अगर हम भक्ति स्वयं नहीं करेंगे, गीता रामायण नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को बड़े संस्कार नहीं डालेंगे ना, तो ओल्ड हाउस में हमें जीवन बिताना पड़ेगा। अगर ओल्ड हाउस में जीवन नहीं बिताना चाहते हो, स्वयं भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, स्वयं माला करो, क्यों पहला गुरु पिता माता है, घर में कंपलसरी करो। जब तक बच्चों को एक माला नहीं करके खाना नहीं देंगे, बोले बच्चे बात नहीं सुनते, बोले उसको जोर जबरदस्ती स्कूल भेजता कि नहीं, बोला स्मार्टफोन तो पकड़वा दिया बच्चों को। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारे घर अयोध्या बने, राम राज्य बने, गीता रामायण पढ़ो, बच्चों को परे संस्कार डालो, जैसे बच्चे संस्कारी बने, सवेरे उठे पिता माता की चरण छुए, गुरुजनों की सेवा करें। हाँ देख लो आप लखपति कैसे बनोगे, देखो आपको ये बुरा लगेगी, लेकिन ये बात तो हम संत हैं, इसलिए हम तो सही बात आपको बताएंगे। जैसे ये माला है, जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, सबके सब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मोती सरकाते हैं, फिर दो बार बोल कर दो मोती, तीन बार बोल कर तीन मोती, देखो एक लाख कैसे होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया है, इसमें 108 मोती हैं। अगर ये माला को अगर 16 राउंड कर लिया तो 25,000, अगर 64 राउंड किया ना ये हो गया 1,00,000। भगवान कहते हैं 1,00,000 माला तुमने नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई है। बोले ब्याज कितना मिलेगी, बोले दिन दिन बढ़त सवाय, प्रिया कहती है आज अगर 1,00,000 किया ना कल तुम्हें 1,25,000 मिलेगी, 4 दिन में 2,00,000, इतने जल्दी ये धन बढ़ती है। लेकिन इस जगत का पैसा कमाते कमाते शरीर छूट जाए, सारे पैसा ही रह जाएगी, साथ में पैसा नहीं जाएगी। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे भैया ऐसे धन कमाओ जो इसी जीवन में भी धनी बनो और अगले जीवन में भी धनी बनोगे। लेकिन हमारी क्या भावना, हमारे गुरुजी कहते थे किसको बोलो थोड़ा भजन करना, बोले नहीं बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा करके जाए ना, गुरुजी कहते थे बच्चे के लिए पैसा कमा करके मत रखो, वो होना होगा तो कमाई लेगा, अगर नालायक बनेगा तो जुआ खेल करके शराब पी करके सारे ध्वंस कर देगा। ऐसे धन कमाओ जो इसी जीवन में भी धनी और अगले जीवन में भी धनी बनोगे, ठीक है। हाँ कुछ कुछ माताएं बोल रही थी हम माला जप करने के लिए, हमको बोल रही थी ये कथा को, बाद में अगर आप लोग आओगे यहीं पर आपको जो माला लेना चाहते हैं एकदम लास्ट में कथा को बाद में आना, यहीं पर आपको बैठा करके समझा करके मैं माला दे जाऊंगा, ठीक है। अभी कृष्ण रुक्मिणी बन गए हो, खड़ी हो जाओ कृष्ण रुक्मिणी, खर खड़ी हो जाओ, इनके हाथ में दो माला दे दो, इनके हाथ में माला है दो, ये दो माला उनको दे दो, तो बोले श्री कृष्ण रुक्मिणी की जय, बोले श्री रुक्मिणी रमन भगवान की जय, जय जय श्री राधे। हाँ तो दोनों हाथ में तो माला दे दो, इधर इधर आ जा, इधर सामने आ जा, सामने आ जा, सामने आ करके दोनों दोनों को अपना माला बजा दो, पहले रुक्मिणी दो भगवान कृष्ण के कल्याण, रुक्मिणी दो प्रभु जी एक भजन बोल दो, इधर फेस करके खड़े हो जाओ, जो जग में और मर जा बल बनिए गोपाल जी, दस चुड़ लो अमल है
सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जिन लोगों को भी कन्यादान करना है वो कन्यादान कर सकते हैं। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी दीन समाई, सतगुरु ने मेरी दीन समाई, उनको मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज मेरी मोतियों से मांगे बना दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन 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 बना दो। Thank you.
हेलो मैं सांसद प्रतिनिधि कर्नल यूपी सिंह से बोलूंगा, अपने दो शब्द रखें। जनरल साहब का हमारा बड़ा मन था, लेकिन आज उनका स्वास्थ्य दो तीन दिन से बड़ा ठीक नहीं था, इस चक्कर इस वजह से आ नहीं पाए, तो हमारे जनरल साहब दो शब्द रखेंगे।
मान भाव और भक्तगण को मेरा प्रणाम। आज जनरल बीके सिंह और उनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए यहाँ आने में बड़ी अस्पष्टता प्रकट की है और उन्होंने मुझे बताया है कि जाकर के आप अपने तरफ से पृथ्वी सिंह साहब को क्षमा मांगेगा, बोलेगा कि उनका बहुत दिल था आने के लिए, लेकिन ऑपरेशन की वजह से और अस्वस्थ होने की वजह से आज वो नहीं आ पाए। आज के शुभ अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भागवत जी से बहुत सारी हम लोगों को सीख मिलती है और आशा है हम अपने जीवन में उसको लगाएंगे। धन्यवाद। मैं हमारे क्षेत्रीय मंत्री अजय शर्मा जी से बोलूंगा, अपने हमारा मार्गदर्शन करें दो शब्द बोलकर। जय श्री राम। अभी मैं कथा सुन रहा था तो कि मोदी जी भी भगवत गीता को पढ़ते हैं और रोज दो माला फेरते हैं, ये आप सबका ईश्वर की कृपा है मोदी जी पर। बड़े भाई पृथ्वी सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष नागेंद्र जी, हेमंत जी, लेखराज माहौर जी, कुंजन जी और जो हमारे अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह जी और आप सभी लोग जो इस कथा के कराने वाले हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बधाई देता हूँ। आयोजकों के लिए एक बार जोरदार ताली सब लोग बजाते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने भी हमारा मान बढ़ाया और आपने भी बहुत बहुत हमारी भागवत कथा को शोभित करा, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत। और मैं सचिन जी का भी, प्रदेश अध्यक्ष इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने भी अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ दिया। और मैं महाराज जी से आदेश का वो अनुरोध करता हूँ कि आगे अपनी भागवत का सुचारू रूप से आगे बढ़ाए। प्रभु जी आप लोग ना जिनको स्वागत देना, सबको स्वागत हो गया। अरे हमारे जदुनंदन प्रभु कहाँ गए, जदुनंदन प्रभु कहाँ गए, है कि नहीं? आप बोलो थोड़ी उनका दो इनको थोड़ा आशीर्वाद, सबको सबको थोड़ा स्वागत करना। सब लोग जोर से दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। देखो भाई, महाराज जी की जो विशेष कृपा हुई है और जो भागवत में हम लोगों ने जिन जिनों ने जो सहयोग दिया है, मैं उनका थोड़ा स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारी जो महिला मंडल है जिन्होंने कलश लेके आई है बेचारी और इतनी मेहनत करी, उनके लिए सबसे जोरदार ताली बजा दो, उन सबका स्वागत है। और कलशा जो जो लेके आए लेके जाना, जो लाए वही लेके जाना, नहीं तो पाप लगेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लेगा। और दूसरी बात, हमारे इस क्षेत्र के जितने आसपास के जितने घर हैं, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, हमारे पंडाल में समर्थन करी है। गाय आ जाती थी, कुत्ते आ जाते थे रात को, बेचारे इन्होंने बड़ी इसकी देख देख करी है, रखवाली करी है। तो आसपास के जो पड़ोसी हैं इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। हमारे अर्जुन भाई टेंट वाले जिन्होंने टेंट लगाया है, बेचारों ने बड़ी मेहनत करी है, दो दिन बारिश हुई, बड़ी परेशानी हो गई, उसके बाद भी वाटर प्रूफ किया गया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। हमारे साउंड वाले भैया, सबसे ज्यादा अगर डांट पड़ती है तो केवल साउंड वालों को पड़ती है, जरा भी ऊंचे नीचे हुए ये सही कर वो सही कर, तो इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। अच्छा, और हमारी टीम के जितने लोग हैं उन्होंने भी बड़ा मेहनत किया है, इन लोगों के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। और देखो सबसे बड़ी बात, इस भागवत कथा के अंदर जिन्होंने भी थोड़ा भी हमें सहयोग दिया है उनका बहुत बहुत आभार और हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत जोर ताली बजा दो, जो धर्मों में मदद करते हैं, अपना धन लगाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दो। और सबसे बड़ी बात, जो श्रोता हैं, नीचे कीचड़ हो गया, पानी हो गया, फिर भी बैठे, दरी की व्यवस्था करी, कहीं गीला था फिर गद्दे बिछवाए, अगर आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए हैं, आप सब लोगों के लिए जोरदार ताली। और दूसरी बात, हमारे
ये जो भक्त हैं आपको जो कीर्तन सुना रहे हैं इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। कितना सुंदर सुंदर मधुर मधुर कीर्तन बजाया। अच्छा एक चीज और बताओ, पंडाल भी हो, श्रोता भी हो, साउंड भी हो और सारी व्यवस्था हो, लेकिन वक्ता न हो तो क्या होगा? जिन लोगों ने महाराज जी के मुख से सात दिन बैठ के कथा सुनी है महाराज जी के लिए जोरदार, जिसको जितना आनंद आया उसे जोरदार ताली बजाओ। महाराज जी के लिए एक बार और जोरदार ताली बजाओ। हमारे महाराज जी इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं, कथा के बीच में हम लोगों ने बड़ी बड़ी गलती करी है, डिस्टर्ब किया है कथा में, बड़ा बड़ा इंटरफेयर किया है, हम नेता नगरी के चक्कर में पड़ गए, फिर भी महाराज जी बड़े सरल और प्रेम से सबके कल्याण के लिए इतनी सुंदर कथा सुनाई है। एक बार जोरदार और ताली बजा दो। और हम महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हर बार हर साल थोड़ा वासियों पे ऐसी कृपा बनाए रखें और बीच बीच में आकर के हम जो पतित लोग हैं या जो पड़े हुए हैं माया की गोद में जो लात खा रहे हैं हमें यहाँ से निकालने का प्रयास करें। जिस घर में, जिस क्षेत्र में, जिस भूमि में, जिस देश में जब संत आ जाते हैं तो ऐसे संत क्या करते हैं, केवल यही हमारा मंगल कर सकते हैं और नहीं कर सकते। देखो गंगा जी सारे पापों को धो देती है, लेकिन क्या करना पड़ता है? गंगा जी में जाना पड़ता है, जाना पड़ता है ना, जाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, तब हमारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन जहां संत आते हैं, पूछा ना किसी ने, भाई ये गंगा जी में इतने लोग आकर करके पाप छोड़ के जाते हैं, तुम इसका क्या करती हो? तो उन्होंने कहा कि ये पाप मैं समुद्र को दे देती हूं। भाई बह के कहां जाएगा? समुद्र में। समुद्र को पूछा, भाई इतने सारे पाप आते हैं तुम उनका क्या करते हो? कि मैं बारिश की मूर्ति फिर बरसा देती हूं। लेकिन जब संत आते हैं, ये गंगा जी में जाना पड़ता है, और संत जब आते हैं जिस भूमि पे, जिस क्षेत्र में आते हैं, वहां सारे के सारे पाप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। एक बार और जोरदार ताली बजाओ। महाराज जी देख, कुछ लोग हरिनाम लेना चाहते हैं महाराज जी से, मेरे को बोला है वो कथा के बाद में। श्री राधे, ये आप लोगों ने इको बंद करना बाद में कथा के बाद। रोजी रोजी आप लोगों ने यहाँ पर सात दिवस तक कथा सुनी, आप बहुत ही बड़े भागी हैं, अच्छे बड़े भागी हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की कथा सुनी। भगवान की कथा मिलना सुनना ये भाग्यो देन बहु जन्म समर्जते ना सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा भई। जब हमारे एक नहीं अनेकों जन्मों के पुण्य पुंज एक साथ उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमको वो भी सच्चे वैष्णव साधु के मुख से हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। समय भी बहुत हो चुका है, आगे कुछ और प्रक्रियाएं भी बाकी हैं, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए जिन्होंने यहाँ पर कथा श्रवण की, चाहे वो एक घंटे सुनी, चाहे सात दिन सुनी, चाहे दो दिन सुनी, कितने भी दिन सुनी, आप लोग सभी परिचित हैं। और जब भागवत की कथाओं का कभी समाप्त नहीं होती, इनको केवल विश्राम दिया जाता है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आप लोग जो है आकर के महाराज श्री का पूजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर महाराज श्री हमारे लिए कौन है? सुखदेव स्वरूप है। यहाँ पर सुखदेव भगवान के रूप में उन्होंने हमको भागवत कथा सुनाई है, हम सभी यहाँ पर परिचय स्वरूप हैं। तो अब कथा का विश्राम होने वाला है, तो आप लोग जो भी हमारे पहले में जो भी कथा कराने वाले जो समिति के जाट समिति के अध्यक्ष या जो भी हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पहले आकर के वो सभी महाराज श्री का पूजन करेंगे, भागवत भगवान का पूजन करेंगे। हमारे पृथ्वी भैया और जो भी आपके जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, हाँ हरे कृष्णा, हरे गुरुदर सिंह जी, हाँ हरे कृष्णा। देखो ये जो कथा है ना, मेरे को पता नहीं था यहाँ भागवत कथा होगी। हमारे श्री जदुनंदन प्रभु जी हमारे गुरु जी की शिष्य है, इन्होंने ही बोले यहाँ पर जादव
हाँ समाज के लोग, जाट समाज के भक्त लोग भागवत कथा कराना चाहते हैं, आप समय दे सकते हैं, आप समय दे सकते हो, इसलिए मैंने कहा आप बात करो। इसलिए ये कथा मेरे को जो यहाँ लाने वाले श्री, हमारे श्री जगुनंदन प्रभु जी लाने वाले, ये हमारे गुरु जी की बड़े शिष्य हैं, बड़े पुराने शिष्य, आप भी इनके लिए, इनकी और इनकी पत्नी, ये दोनों ने मेरे साथ में बात करके वहाँ पर ला मेरे को लाए, आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाए। और इनको जो उत्साह देने वाले हमारे जो पृथ्वीराज प्रभु जी, कहाँ गए पृथ्वीराज प्रभु जी, इधर आ भैया इधर आ जाए। हाँ इन्होंने इन्होंने अपना घर में जैसे बच्चों को रखते हैं ना, ऐसे बच्चे जैसे हमको रखे। जब हम यहाँ से जाते हैं पूरा इनका परिवार, तीनों भाई तीनों बहू सबके सब हमारे पास में बैठ जाते हैं। अब इनको साथ में हम अच्छी अच्छी बात बताने के लिए कोशिश करता हूँ, इसलिए इन्होंने इनकी इनकी भावना देख करके मेरे को इतनी अच्छी लगी। जब उन्हें तुलसी कंठ की नाम मैंने बताई ना, इन्होंने झट वहाँ से खरीदी करके देखो गले में उन्होंने तुलसी कंठ धारण कर लिया। और जब मैंने भगवान के नाम की बात बताई, देखो गले में देखो माला झोली, इनके गले में देखो माला झोली उन्होंने डाल दिया, डाल करके भगवान के नाम जप करना शुरू कर दिया। इसलिए इनसे बात करके मेरे को इतनी अच्छी लगी और उन्होंने एक अच्छी बात बताई, बोले हम चाहते हैं बद्रीनाथ में भी कथा हो, क्योंकि यदि यहाँ कथा सुनने का जितना फल है, बद्रीनाथ में कथा सुनने का हजार गुण फल बताया, क्योंकि वहीं पर श्री व्यास देव जी ये भागवत ग्रंथ को रचना की, वहीं पर नारायण ऋषि रूप में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं, और जो ठाकुर को दर्शन कर लिए, भैया इधर आ जाओ पृथ्वीराज प्रभु जी, इसलिए वहाँ पर जो ठाकुर का केवल दर्शन कर ले, कहते ठाकुर जो तपस्या करते हैं उसका छठवां भाग का फल अपने आप मिल जाता है। और ये पृथ्वीराज भैया ने बोले मैं सब कुछ वहाँ पर रहने का और प्रसाद का मैं अकेला सारा व्यवस्था करूँगा, जितने लोग जाना चाहे आप सब लोगों को लेकर बद्रीनाथ में आओ। इसलिए हाँ इसलिए इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे बद्रीनाथ में जाने के लिए, हम सोच रहे हैं जून महीना में हम कोशिश करेंगे प्रभु जी, जब यहाँ गर्मी हो ना, जून महीना में हम कोशिश करेंगे बद्रीनाथ जा करके, हम आपको सब बताएंगे कब जाएंगे बद्रीनाथ में, हम आपको बताएंगे। इसलिए आप इनकी जो उदार हृदय देख करके मेरे को इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, और जितने भक्त जाए सबके लिए रहने का प्रसाद का व्यवस्था करूँगा, इनको सुन करके मेरे को इतना आनंद लगा, भैया बद्रीनाथ में कथा हो इतने उदार हृदय से, इसलिए आप जोरदार निकले ताली बजाओ। ठाकुर जी इनके ऊपर भी खूब कृपा बरसाए, खूब लक्ष्मी बरसाए, इनके घर को परिवार को खूब शांति से मिले, मैं ठाकुर जी को ये प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी क्या बोल रहे थे, प्रभु जी आप कुछ बोल रहे थे, हाँ प्रभु जी क्या नाम है, श्री नारायण प्रभु जी, हमारे जो ये मंदिर बना ना यहाँ पर 12 सेक्टर में, प्रभु जी हर तरह से उन्होंने तन मन धन देकर हर तरह से प्रभु जी यहीं से सारे सामान लेकर घर मंदिर बनाया। इनको ठाकुर जी खूब कृपा करें, इनकी पत्नी बहुत अच्छी प्रकृति की है, इसलिए यहाँ पर जितने नेता लोग आए, जितने भाई लोग, मैं देख रहा था इनकी जो समिति के जो भाई लोग ही भाई खड़े, इनका तो नाम मैं नहीं जानता हूँ, इन लोगों ने पूरा के पूरा कथा में वह जो भैया खड़े इनका सब नाम मेरे को पता नहीं, दिन रात उन्होंने तन मन धन से इन लोगों ने भगवती की सेवा की। हम श्री ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी इन सबको ऊपर में कृपा करे, आशीर्वाद दे कि लोग खूब संसार में फलते फूलते रहे और संसार में शांति सुख पाए। आप सभी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हाँ हरे कृष्णा। इसलिए हमारे जो अभी कल परसों हमारे जो बड़े गुरुजी थे, परसों इनकी त्रिभाव तिथि है, 12 सेक्टर बारात घर को सामने, वहाँ पर शाम को 5 बजे से बड़ी सुंदर सुंदर कथा होगी और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है पास में, इसलिए आप सबको मैं निमंत्रण देता हूँ। और यहाँ पर हमारे जन्माष्टमी राधाष्टमी ये सब यहाँ पर मनाए जाते हैं। और यहाँ पर जो सुनीति दीदी कहाँ गया, सुनीति दीदी जो कथा होने वाली, हाँ ये माता जी ये कौन सा महीना है, फरवरी 2 तारीख से फिर यही कथा आपकी घोड़े में होने जा रहा है, इसलिए माता जी ये कथा के लिए व्यवस्था करेगी। अगली बार भी माता जी हर तरह से व्यवस्था की थी, इसी बार भी उन्हें व्यवस्था करेंगे, आप इनके लिए भी ताली बजा।
हाँ देखो हम लोग जैसे ही कथा तो विश्राम हो जाएगी, हम चाहते हैं यहाँ के बच्चों का अंदर में संस्कार पड़े, जैसे ये पिता माता की सेवा करे, पिता माता की चरण छुए, पढ़ाई लिखाई इनकी अच्छे तरह से हो, लेकिन ये कैसे कर सकते जब भक्ति में जुड़ेंगे, इसलिए हम लोग चाहते हैं ये बच्चों के लिए भी कुछ सेमिनार देने के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लास है, डज डट एग्जिस्ट, हुआ माई, सुप्रीम पर्सनालिटी गाइडेड, सर्च पर हैप्पीनेस, ये सब विषय पर हम चाहते हैं ये बच्चों को अच्छी जैसे ऐसी विषय पर क्लास देंगे, सेमिनार से पृथ्वी राज प्रभु जी के घर में नीचे हम लोग को प्रोजेक्ट को साथ में वहाँ पर हम सेमिनार देना चाहते हैं। ये बच्चा कुछ बोलेगा, जैसे वहाँ पर अपना नाम, आप बच्चों का फोन नंबर दे करके जाओ, व्हाट्सएप में उनको हम नाम भेज देंगे, कब कैसे होगा। जैसे कि हम आप सब लोगों को पिछले 3-4 दिनों से बता रहे हैं कि प्रोग्राम के बाद अभी हम संडे को यहाँ पर सेमिनार करेंगे, जब भी होगा प्रोग्राम हम आप सब लोगों को व्हाट्सएप कर देंगे, आपको करना क्या है अपना नाम और बच्चे का नाम हमें दे देना है, और हम आप सब लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि इस दिन यहाँ घोड़ा में प्रोग्राम होगा, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, और प्रोग्राम होगा छुट्टी के दिन ही, कोई पढ़ाई हैम्पर नहीं होगी, कोई ट्यूशन हैम्पर नहीं होगी, छुट्टी के दिन ही प्रोग्राम होगा। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ प्रोग्राम में होगा क्या, प्रोग्राम में जो होगा हमारे सेमिनार में, जो आजकल का जो टाइम है, आजकल हर कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, पढ़ाई के साथ एक एडिशनल चीज भी चाहिए, एडिशनल नॉलेज, वो हम प्रोवाइड कराएंगे। वो कैसे प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, आजकल सबके पास टाइम होते हुए टाइम नहीं है, टाइम का बच्चे यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, टाइम में कब पढ़ना चाहिए कब उठना चाहिए कोई टाइम का कोई वो नहीं है, तो हम टाइम मैनेजमेंट उन्हें बताएंगे। पावर ऑफ हैबिट्स, हैबिट्स आजकल बच्चों को आदतों ने कंट्रोल कर लिया है, आदतों ने हमें गुलाम बना लिया है, हम करना कुछ चाहते हैं होता कुछ है, और जो हम करना चाहते हैं होता नहीं है, माइंड डिस्टर्ब है, मन नहीं लगता, ये सब चीज़ें पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है, बच्चे पेरेंट्स की बातें नहीं सुनते, ये सब चीज़ें हम हमारे यहाँ जो एक कोर्स के रूप में कराई जाएगी, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो लेक्चरर आएंगे वो उसको लेक्चर देंगे, आपको पीपीटी का नाम और व्हाट्सएप नंबर देना है। 4 लोग नहीं आ सकते उस प्रोग्राम में, जिनके बच्चे अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं वो लोग अपने बच्चों का नाम ना लिखाएं, और जिनके बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी अपने बच्चों का नाम ना लिखाएं। तीसरा, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, पढ़ाई में जिनका मन लगता है वो भी अपने बच्चों का नाम ना लिखाएं, ठीक है। बाकी जिनको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है वो सब आइए और एक बार नाम लिखाइए, मैं गारंटी देता हूँ कुछ टाइम बाद आप खुद बोलोगे हाँ कुछ बेनिफिट हुआ है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरी जो मदर है ना, उनके घुटने में बड़ा पेन हुआ था, बड़ी परेशान थी, किसी ने हमें बताया कि आप वहाँ डॉक्टर के पास चाहिए, वो बड़ा अच्छा इलाज करता है, हम उस डॉक्टर के पास ले गए और सच में उसने बहुत अच्छा इलाज किया, हमने उस व्यक्ति को बड़ा धन्यवाद किया, और अब जब भी किसी व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम होती है ना हम उन्हें वहाँ ले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर हमें कुछ कमीशन दे रहा हो, नहीं, लेकिन क्या है हमें अच्छा लगता, अगर तुम किसी के भला करोगे ना तो अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। तो मैं आपको छोटा सा ये बताना चाह रहा हूँ, देखो मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, कि मैं आप सब लोगों से कोई मेरा स्वार्थ हो, मैं सब सिर्फ और सिर्फ भागवत के लिए और अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए हम सिर्फ एक छोटा सा कार्य करेंगे, ठीक है। आप सब लोग अपने बच्चों का नाम दीजिए, और अगर बेनिफिट ना हो कुछ टाइम बाद बेनिफिट ना हो तो हमें आप बोलना, मैं गारंटी देता हूँ आप सब लोगों को कुछ टाइम बाद उस चीज़ का असर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मैं पीछे खड़ा रहूंगा, आप सब लोग ये अपने अपने बच्चों का नाम जरूर लिखेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सुदामा जी की, सुदामा जी की, ये प्रभु जी, सुदामा, सुदामा जी थोड़ी दूर चले जाओ, जब उन्होंने बोलेंगे ना कृष्ण जा करके उनका आलिंगन किया, कृष्ण जो कृष्ण बने ही सुदामा जी को आलिंगन करके ले जाओ, जब थोड़ी दूर चले जाओ। देखो देखो ये गरीब, ये गरीब